हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुमित गुप्ता एंड आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी एट पीएनसी एजुकेशंस। तो फाइनली आज आप लोगों ने अपना फुल टेस्ट पेपर 4 दिया एनटीएस वाला। होपफुली पेपर अच्छा रहा होना चाहिए, आप लोग का पेपर अच्छा रहा होगा। और यहाँ पे मैं 1 by 1 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जिस भी क्वेश्चन में डाउट निकला होगा आप काइंडली यहाँ से रेफर कर लेना, मैं अच्छे से ही समझाऊंगा। मैं थोड़ा वीडियो को ठीक से ही बनाऊंगा तो मैं समझाने में टाइम ले सकता हूँ, बेटर होगा। जिस क्वेश्चन में डाउट लगे वहाँ आप काइंडली जाके डायरेक्टली रेफर कर सकते हो, है ना। चलो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं, 1 by 1 सारा क्वेश्चंस देखते हैं था क्या। अगेन मैंने बोल रहा हूँ, सारे टेस्ट की तरह ये टेस्ट पे बिल्कुल हमारा मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट और इजी क्वेश्चन ही थे जैसा कि नीट के एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन सारा करने लायक थे, अगर तुमने किया तो काफ़ी अच्छा लगा होगा। पेपर को इन्जॉय करना सीखो, है ना, क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल करो। और जिस भी क्वेश्चन में डाउट है चलो फाइनली स्टार्ट किया जाए बिना डिले किए, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था, है ना, क्या क्या क्वेश्चन था। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 पढ़ते हैं तो तुमको काफ़ी अच्छा लगना चाहिए। पता है क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा एरर का क्वेश्चन है हमारा, और मेरे ख्याल से कोई क्वांटिटी है जो कि मास, लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, पावर ए बी और सी दिया था हमारा। और क्लियर सा बात है, जब भी मेजरमेंट लोगे मास का, लेंथ का, टाइम का, तो कुछ ना कुछ तो एरर होगा। तो वो तीनों में मास, लेंथ, टाइम में परसेंटेज एरर गिवन था अल्फा, बीटा और गामा। तो ऐसे केस में पूछा जा रहा है ये जो क्वांटिटी हमारा इसमें परसेंटेज एरर होगा कितना। तो ऐसे केस में याद तो होगा तुम लोगों को कैसे निकालते हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है मास, लेंथ और टाइम पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली पता है इस क्वेश्चन का आंसर तो देखते ही कर सकते हो, है ना, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। बिकॉज एरर हमेशा क्या होता है, टोटल एरर निकालने के लिए एरर को हमेशा वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्शन तो होता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही राइट होता, काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। स्टिल थोड़ा प्रोसेस में जाके देख लेते हैं, अगर ऐसा है तो एरर इन एक्स अगर निकालना है आप लोग तो ऐसे लिखते हैं रिलेटिव एरर, पावर है जो कॉफिशियन मल्टीप्लाई होता था हमारा डेल एम बाई क्या एम प्लस बी, हम लोग लिख सकते हैं डेल एल बाई एल एंड अगेन प्लस सी, और लिख सकते हैं क्या हम लोग डेल टी बाई टी, पावर हमारा एज ए कॉफिशियन मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ऐसे केस में होगा क्या हमारा, और सिंस हमारा परसेंटेज फॉर्म में दिया तो बेटर होगा दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ऐसे केस में यहाँ भी हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट परसेंटेज एरर जो चाहिए था वो हम लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। फाइनली देखेंगे तो डेल एम बाई एम इन टू 100 दैट इज़ वॉट परसेंटेज एरर इन मास, वो हमारा गिवन है अल्फा परसेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इन टू अल्फा। सिमिलरली सारा लॉजिकली लिख सकते हो बी इन टू वॉट, ये वाला बीटा लिख सकते हो तो बी इन टू बीटा, और लास्ट वाला क्या सी इन टू वॉट गामा, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए परसेंटेज फॉर्म में, ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए था। तो क्लियर है, क्वेश्चन काफ़ी ईजी था हमारा, ऑप्शन ए राइट होता है। एरर हमेशा एडिटिव होता है, नेचर में जानते हैं तुम लोग, ओके। तो क्योंकि मैक्सिमम डिवीजन और मिनिमम डिवीजन निकालना होता है एरर में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ही था ना, फर्स्ट का भी ए था हमारा। चलो तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको लोग देखेंगे क्या दिया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 में देख पा रहे हो एक रिलेशन दे रखा है, और ऐसे केस में सारा क्वांटिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा है, पी प्रेशर है, जेड क्या है, सब कुछ गिवन है। ऐसे केस में बीटा का हमसे डायमेंशन पूछा गया, बीटा का डायमेंशन होगा क्या, तो अगेन डायमेंशन का क्वेश्चन हमारा, देखते हैं कैसे करना चाहिए क्वेश्चन को। तो पहले मैं लिखना चाहूँगा, हमारा गिवन है जो क्वांटिटी पी, दिस इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा एंड ई टू द पावर, कुछ वहाँ लिखा तो है, क्या लिखा है देख लेते हैं, अल्फा जेड के थीटा। तो अल्फा जेड और के थीटा ऐसा लिखा है हमारा। ऐसे केस में बीटा का अगर डायमेंशन चाहिए तो डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, बिकॉज अल्फा भी अननोन है। तो पहले कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ से अल्फा का डायमेंशन कैलकुलेट तो कर सकते हैं, जानते हैं ई पे पावर है और ई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर क्या होगा, एक वोल नंबर ही हो सकता है, तो ये जरूर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसा लिख लें, डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ये हमारा ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सो वन लिखा जा सकता है, है ना। ऐसे केस में चेक करते हैं, यहाँ से अगर अल्फा का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, अल्फा रहने देते हैं, अल्फा का डायमेंशन नहीं पता हम लोगों को, जेड, जेड हमारा क्या देख सकते हो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए एल लिख लेना। बात करते हैं के, तो के हमारा है क्या, क्वेश्चन में देख लेते हैं, के हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, साइड में कहीं निकाल लो बोल्ट्जमान कांस्टेंट का, तुम लोग जानते तो हैं, पी वी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, एन के बी टी लिखते हैं, तो के बी टी को यहाँ के ही बोल रहे हैं, के ही रहने देते हैं, एन के टी लिख देते हैं। यहाँ से बोल्ट्जमान कांस्टेंट का अगर चाहिए हम लोग को डायमेंशन, तो लिखा जा सकता है पी वी बाई क्या एन टी। और ऐसे केस में अगर डायमेंशन कैलकुलेट करना है, पी वी कहीं ना कहीं एनर्जी को इंडिकेट करता है, वर्क को इंडिकेट करता है, तो तुम चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर तुमको याद है तो, या फिर तुम्हारा मर्जी है, तुम चाहो तो कैलकुलेट भी कर लेना प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो प्रेशर वॉल्यूम पता है हम लोग को, ये एनर्जी या वर्क के जैसा ही होता है, तो एनर्जी के लिए हमारा डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया। नीचे ध्यान देते हैं, ये हमारा एन, तो एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर कोई डायमेंशन नहीं होगा,
इसका टी टी टेम्परेचर हो गया, तो टेम्परेचर के लिए केल्विन लिख लेना। तो ये हमारा के का डायमेंशन बेल्ट हो गया है ना बोल्ट्जमान कांस्टेंट का। तो मिला क्या, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, मिल रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और क्या मिल रहा है हमारा के मिल रहा है, ऐसा कुछ मिला, ठीक है, सॉरी के इनवर्स मिल रहा है, ये हमारा मिला। फाइनली आगे देखते हैं, एक क्वांटिटी और था हमारा थीटा, थीटा क्या हमारा टेम्परेचर है, थीटा हमारा क्या है बताओ, थीटा हमारा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के लिए क्या लिखोगे, फिर से यहाँ पे के लिख देना, इस थीटा के लिए के लिख देना, दिस इज इक्वल टू वन। तो ऐसे कि इसमें अगर सिंप्लीफाई किया जाए, इस साइड इसको साइड में रखते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा मिल गया अल्फा का डायमेंशन, यहाँ से अल्फा का डायमेंशन क्या मिला, यहाँ नीचे ही लिखो, ज़्यादा बेटर होगा। अल्फा हमारा मिल रहा है, एक एल टू कैंसिल होगा, तो एम एल टी माइनस टू, और के भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारा अल्फा का डायमेंशन मिल गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग को चाहिए था बीटा का डायमेंशन, तो हम लोग समझ पा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होगा, ये प्रेशर होगा, यानी क्लियर सा बात है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे अल्फ़ा बाई बीटा, तो अल्फ़ा बाई बीटा का डायमेंशन हमारा प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। प्रेशर यानी क्या, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के लिए लिख सकते हो एम एल टी माइनस टू, और एरिया के लिए लिख सकते हो क्या एल स्क्वायर। ऐसे कि इसमें अच्छे से देखा जाए, अल्फ़ा हमने ऑलरेडी निकाल लिया तो बीटा मिल जाएगा, अल्फ़ा का डायमेंशन यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो ये हमारा एम एल टी माइनस टू है, और नीचे क्या हमारा बीटा है, राइट साइड में पहले से क्या हमारा, तो यहाँ देख लेते हैं, मैं जानबूझ कर ऐसे ही लिख रहा हूँ एम एल टी माइनस टू, और नीचे क्या हमारा एल स्क्वायर है। ऐसे कैसे खुद ही देखो, ये पूरा क्वांटिटी हमारा कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल होने के बाद बताओ बीटा का डायमेंशन जो चाहिए था हम लोगों को, बीटा का डायमेंशन मिल गया, बताओ क्या एल स्क्वायर, तो बीटा इज़ वॉट एल स्क्वायर है हमारा। तो ऐसे केस में हमारा राइट आंसर होना क्या चाहिए, बीटा एल स्क्वायर मिल गया, L square यानी बताओ M0 L square T0, यानी ऑप्शन ए राइट होगा इस क्वेश्चन का, है ना, ऑप्शन ए राइट होता है, वो फुली क्लियर होगा। अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा था, पर फिर भी इजी था, है ना, कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या हमारा, तो क्वेश्चन नंबर थ्री अगर देखा जाए ना, तो मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, और एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन बिटवीन टू स्टेशन 2 किलोमीटर अपार्ट इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये पूछा जा रहा है मैक्सिमम स्पीड होगा क्या। तो पता है ट्रेन जब भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ जाता है ना, इनिशियली ट्रेन क्या होता है, रेस्ट में होता है, इनिशियली ट्रेन क्या होता है, रेस्ट में होता है, एक स्टेशन पर रेस्ट में होगा, चलना शुरू करेगा, पहले एक्सेलरेट करेगा, देखो पहले मतलब जो भी एक्सेलरेट करेगा, फिर फाइनली अदर स्टेशन पे जाके रुकना भी होता है, तो ब्रेक वगैरह लगाएगा, फाइनली रिटार्डेशन होगा, फाइनली दूसरे स्टेशन पे जाके रुक जाता है। मतलब एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों का रोल तो होता ही है जब भी ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ जाता है, है ना। ओके, यहाँ चेक करते हैं, पूछा है ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड होगा क्या, तो क्लियर सा बात है मैक्सिमम स्पीड यानी जब तक ट्रेन का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी तब तक ट्रेन का स्पीड बढ़ रहा होगा, तब तक ट्रेन का स्पीड हमारा क्या बढ़ रहा होगा। जैसे ही एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ, यानी बताओ उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगने लगा, और ऐसे केस में उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्लियर है। तो इनिशियली ट्रेन हमारा रेस्ट में था एक स्टेशन पे, मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्लियरली, ऑन स्टेशन ए मान लेना, इनिशियली ट्रेन हमारा क्या था, रेस्ट कंडीशन में था, वहाँ से चलना शुरू किया, तो शुरू में ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन उसका स्पीड बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते जाएगा, इसके बाद एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल गया, तो स्पीड क्या होगा, कम होने लगेगा, तो बेटर है हम लोग से मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है, तो जब तक एक्सेलरेट करेगा, यहाँ तक एक्सेलरेट किया था। फिर देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, ये हमारा एटी ग्राफ है, बताओ एटी ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं एटी ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। पहले लिख देता हूँ एरिया अंडर एटी कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अगर ये हम लोग जानते हैं, तो नेक्स्ट अगर बात किया जाए चेंज इन वेलोसिटी का, तो वी माइनस यू लिख देते हैं, वी माइनस यू, और एरिया, तो हम लोग जब तक ट्रेन का एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, वो पूरा एरिया कंसिडर करेंगे, पूरा एरिया हमारा डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ट्रैपेजियम ही मान लो उसको, तो क्या लिख सकते हैं बताना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कितना हो गया हमारा 8, देखो ये वाला 8 है और ये वाला क्या है 4 है, तो 8+4 लिख लेना, 8+4, और इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बताओ 5 है, ये कितना आ गया कैंसिल हो गया, तो 6 × 5 डैट इज़ वॉट, कितना आ रहा है 30 आ रहा है, ये हमारा 30 मिल रहा है, और क्लियर सवाल है इनिशियली स्पीड क्या था 0 था, तो v हमारा 30 आ रहा है, यानी 30 मीटर पर सेकेंड होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, देख लेना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा बी राइट होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट होना चाहिए, इस वाले पार्ट को लेंगे नहीं, इसके बाद वो ट्रेन का रिटार्डेशन होने लगा, स्पीड क्या होगा कम होने लगा, यही इसी इंस्टेंट पे हमारा मैक्सिमम स्पीड था ट्रेन का, ये पूरा हम लोग एरिया लेंगे, ठीक है, होपफुली क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फोर में पता है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सीक्वेंस में ही अभी लग रहा है चैप्टर, सीक्वेंस में ही क्वेश्चन हमारा, डायमेंशन हो गया 1D हो गया, 2D का क्वेश्चन आ गया, 2 प्रोजेक्टाइल जिसका मासस क्या दिया है, m और 4m दिया था, प्रोजेक्ट कर रहे हैं सेम इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, स्टेटमेंट है कि अगर दो प्रोजेक्टाइल का मास अलग अलग है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं सेम इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, तो उनका रेंज डिफरेंट होगा, क्या रेंज डिफरेंट होगा उनका। तो अगर मैं ठीक से बताऊं, जैसे मैं ऐसे ही पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं,
कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा ड्रॉ कर लिया जाए ऐसे ही थोड़ा, इसके बाद थोड़ा बोलते हैं। तो मान लेना किसी पार्टिकल को हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे, और सिंस वेलोसिटी वेक्टर लिखा है ना, वेलोसिटी वेक्टर लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन भी कंसिडर करना जरूरी है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और ये डायरेक्शन इसका इंडिकेट कर रहे हैं थीटा से, है ना, ये इसका मतलब मैग्नीट्यूड चाहो तो लिख सकते थे यू, और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया थीटा। तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब अगर ये दो किसी एक पार्टिकल का अगर प्रोजेक्ट करो तो इस केस में रेंज, अगर रेंज हम लोग निकालते हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या होता था बोलो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता था। तो ऐसे केस में देखा जाए क्या ये रेंज मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं, है ना, ये बस डिपेंड कर रहा है बताओ इनिशियल स्पीड पे और उसके डायरेक्शन पे, यानी वेलोसिटी वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंस अगर दोनों का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर सेम होगा तो रेंज भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज रेंज इज वॉट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो पहला ऑप्शन इस हिसाब से क्या होगा, यहाँ डिफरेंट रेंजेस लिख दिया था, बट हम लोग जानते हैं रेंज क्या होगा बताओ, सेम होगा, रेंज हमारा मास पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो दोनों का रेंज क्या होगा, सेम, दोनों मास का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, है ना, असर्शन हम मतलब स्टेटमेंट वन तो गलत है, स्टेटमेंट टू देख लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए बॉडी, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो मैं समझा ही रहा था, या बताओ मास का कोई है क्वांटिटी क्या, तो ये भी गलत है, एंड मेरे ख्याल से दोनों ऑप्शन ही, दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। तो अगेन दिस इज अ ईजी क्वेश्चन, किसी को रेंज का फॉर्मूला बस याद था तो डिसाइड कर सकता था कि दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट, ऑप्शन ए राइट होता है इस क्वेश्चन का भी, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, चलो ठीक है, फाइव में देखते हैं क्या है। ट्रेन हमारा मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, कितने स्पीड से मूव कर रहा है गिवन हमारा, और एक मंकी है उस पर रन कर रहा था रोप पे ट्रेन के अगेंस्ट द मोशन, और कितने स्पीड से मूव कर रहा था 18 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये सब वर्ड ध्यान रखना थोड़ा। द वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व बाई द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, अगर कोई ग्राउंड से देखेगा उस मंकी को तो उसका स्पीड क्या देखेगा, बिकॉज ये स्पीड उसका ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या देखेगा। सबसे पहले बताया ट्रेन का डायरेक्शन वगैरह दे रखा है, आंसर भी डायरेक्शन के टर्म में ही पूछा है, डायरेक्शन एक्सिस ड्रॉ तो करना पड़ेगा, है ना। मैं एक काम कर रहा हूँ, जैसे नॉर्थ साउथ हम लोग लेते हैं, मैं कुछ ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, देखिए ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ लेते थे, बट ऐसे भी ले सकते हैं कोई इशू नहीं है, नॉर्थ साउथ और यहाँ पे ले लेते हैं ईस्ट, और यहाँ पे क्या वेस्ट चलेगा काम हमारा, है ना, ठीक है। तो ऐसे केस में मैंने जानबूझ के ऐसे लिया सो दैट ट्रेन हमारा कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वाले डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको ड्रॉ करने में थोड़ा आसानी हो, मैं यहाँ दिखाता हूँ, इस रेफरेंस को ध्यान में रखना। चलो ये मान लो हमारा ट्रेन हो गया, ये हमारा ट्रेन हो गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा ट्रेन इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, और इस ट्रेन का स्पीड दे रखा है कितना दिया देखो, तो 54 किलोमीटर पर आवर। तो अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 मेरे ख्याल से 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, बताओ कितना मिल गया, 15 मीटर पर सेकंड मिला, 15 मीटर पर सेकंड, ये ऐसे जा रहा था नॉर्थ वाले डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं, एक मंकी था जो कि कैसे जा रहा है बताओ, अगेंस्ट जा रहा, अगेंस्ट द मोशन ऑफ ट्रेन। तो एक मंकी मान लो यहाँ पे है, अब कुछ मान लेना मंकी जैसा थोड़ा, ठीक है, ये मंकी यहाँ पे, और ये इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और इस मंकी का जो स्पीड है ट्रेन के रिस्पेक्ट में दिया है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये कितना दिया हमारा 18 किलोमीटर पर आवर दिया था, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे ख्याल से मिल रहा है 5 मीटर पर सेकंड मिल रहा है, बिकॉज आंसर भी देख पा रहे हो मीटर पर सेकंड में ही दे रखा है सारा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ट्रेन इधर जा रहा, मंकी इधर जा रहा, और कोई ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड से ऐसे खड़े होकर देखेगा, एक ऑब्जर्वर, ये हमारा ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, तो ये देखेगा तो इसको क्या दिखाई देगा। तो सिंपल सा ही तो क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगाओ, एक लाइन लिखोगे आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे कहीं साइड में लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये हमारा गिवन है, बट इसको लॉजिकली लिखा क्या जाता है, Vm माइनस का Vt, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, कुछ नहीं लिखा है, नहीं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहो तो यहाँ पे जी और जी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब मेरे ख्याल से ये दोनों गिवन है हमारा, और हमसे वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा गया, तो क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाना, तो Vmt और ये प्लस हो जाएगा Vtg, और थोड़ा एक काम करते हैं, अच्छे से लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को डायरेक्शन भी। एक काम करो, थोड़े टाइम के लिए इसको मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इसको एक्स एक्सिस की तरह मान लेना, इसको थोड़े टाइम के लिए तो मान लो एक्स एक्सिस की तरह, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। चलो तो ट्रेन पहले देखते हैं बताओ, मंकी हमारा किधर जा रहा है बताओ, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है साउथ वाले डायरेक्शन में, तो ये इसका डायरेक्शन दिया था बताओ टुवर्ड्स, ऐसे दिया था वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या दिया था, टुवर्ड्स साउथ दिया था, तो इसलिए इसके लिए बताओ क्या लिख सकते हैं, 5, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस आई कैप होगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का बात किया जाए तो ट्रेन का स्पीड दिया हमारा 15 दिया, और ये कहाँ जा रहा था, नॉर्थ में जा रहा था, तो इसके लिए नॉर्थ के लिए लिख सकते हैं आई कैप लिख सकते हैं, ऐड करोगे जैसे ही बताओ कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 10 आई कैप मिल रहा है,
और आई कैप हमारा सपोजिशन था, आई कैप हमने कौन से डायरेक्शन को माना है, नॉर्थ डायरेक्शन को, तो 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ या ड्यू नॉर्थ लिखा जा सकता है ना, ड्यू नॉर्थ लिख सकते हैं। यानी अगर कोई ग्राउंड से देखेगा तो बताओ उसको मंकी किधर जाता दिखेगा, तो मंकी उसको किधर जाता दिखेगा, नॉर्थ में ही जाता दिखेगा, दिखना भी चाहिए। ट्रेन काफ़ी तेज़ी से जा रहा है और इसका स्पीड काफ़ी कम है, ऐसे ही क्वेश्चन तो देख के ही समझ में आ रहा है, कुछ करना ही नहीं था इसमें। इसका 15 था, इसका 5 था, तो ये डोमिनेंट हो गया, तो ये मंकी को आगे ही लेके जाएगा, उधर ही लेके जाएगा। कितने स्पीड से बताओ, 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, देख लेना, होपफुली क्लियर होना चाहिए। मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक बॉडी हमारा जिसका मास 2 kg दिया था और उसको प्रेस कर रहे हैं किसी वर्टिकल वॉल्स पे एक फोर्स लगा के, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह दे रखा था, तो पूछा जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा उस बॉडी पे। क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा क्वेश्चन शायद एक थोड़ा थोड़ा FT3 में भी था, थोड़ा अलग है थोड़ा, बट कुछ कुछ सिमिलैरिटी तो था। जैसे मान लो एक बॉडी है, इसका मास मान लो ऐसे ही m है, वहाँ से बाद में रेफर कर लेंगे क्या है, इसको ऐसे प्रेस कर रहे हैं और कितना फोर्स लगा रहे हैं इस पर दे दिया, ये कितना फोर्स लगा रहे हैं, 100 newton ही लगा, 100 newton लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो बताओ ये हमारा क्या है, यहाँ पे कैसे कंडीशन में, रेस्ट में है, और इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट वगैरह गिवन है, मैं कहीं लिख देता हूँ, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा दोनों का, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया था 0.3 दिया है। ऐसे कैसे पूछा जा रहा है फ्रिक्शन लगेगा कितना, फ्रिक्शन लगेगा कितना, तो क्लियर सवाल है, फोर्स ऐसे लगाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, मोशन तो होगा नहीं, चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर, यानी 100 newton ही होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन मैंने लिखा है, ठीक है, ये 100 newton ही होगा। इसके बाद बात किया जाए तो उसका वेट, बॉडी के वेट को कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, तो बॉडी के वेट को बैलेंस करने वाला है कौन हमारा, बॉडी का वेट जो mg है हमारा, मैं सबको सेम कलर से ही दिखाता हूँ, बॉडी का वेट जो mg है हमारा, इसको कौन बैलेंस करेगा बताओ, फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। तो वेट हमारा बॉडी का है कितना बताओ, बॉडी का वेट हम लोग देख पा रहे हैं, तो बॉडी का मास दे रखा था 2, यानी हमारा 20 newton नीचे तो लगेगा, तो बताओ फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए, फ्रिक्शन भी 20 newton ही होना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, 20 newton। अगर तुम मान लो फार्मूला से कैलकुलेट करते हो फ्रिक्शन यहाँ पे, तो फ्रिक्शन तुम्हारा आएगा पता है क्या, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू हमारा दिया कितना है 0.3 दिया है, और नॉर्मल रिएक्शन कितना दिया बताओ, 100 दिया है, तो ये मिला कितना हमारा 30 newton मिल रहा है, 30 newton। तो ये पता है ये हमारा कहीं ना कहीं इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। बट यहाँ देख पा रहे हो अगर मान लो ऊपर 30 लगा दोगे नीचे 20 काम करा, तो बॉडी ऊपर जाने लगेगा, ऐसा हो सकता है क्या, क्लियर सब आ रही है। ये हमने फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाला है, ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या हो गया बताओ, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। बट इस केस में इतना रिक्वायर्ड ही नहीं है, इस केस में इतना रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रिक्शन का काम क्या है बताओ, बस इसको रोक के रखना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है बताओ, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 काम कर रहा है, तो ऊपर भी कितना काम करना चाहिए, 20 काम करना चाहिए, क्लियर है। तो ये नहीं होता है ना, ये ध्यान रखना, कोई 30 लिखेगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा सही होता, स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, अप्लाइड फोर्स। तो फाइनली ये हमारा क्वेश्चन था, चाहते तो अच्छे से इक्वेशन के फॉर्म में लिखते बट मैंने ऐसे ही समझा दिया, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन था। चलो नंबर सेवन देखते हैं क्या दिया है। तो नंबर 7 में अगर हम लोग चेक करेंगे ना, तो नंबर 7 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये तो पढ़ाया जाता है, तो डायरेक्ट है हमारा, बस बोल दो कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है। ऑब्वियसली विस्कस फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग जानते हैं ना, वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव, विस्कस इज नॉन कंजर्वेटिव। तो 7 का डी तो देख के टिक करना था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अबाउट क्या होता है। तो उसका जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता है उसके अबाउट तो हम लोग जानते ही हैं, तो डायमीटर के अबाउट भी बोल ही सकते हो। ऐसा क्वेश्चन बड़ा ईजी है, मान लो ये रिंग है थोड़े टाइम के लिए, ये रिंग है, चाहो तो मैं डबल ऐसे लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये हमारा रिंग है। तो चलो ठीक है, रिंग के केस में ये जो मेरा पेन देख रहे हो ना, इसके अबाउट हम लोग जानते हैं, इस एक्सिस के अबाउट जानते हैं, इस एक्सिस को क्या बोल सकते हैं बताओ, जेड एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट अगर ये घूमता है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पता अगर हम लोग ये जानते हैं कि जेड एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है बताओ, डायमीटर के अबाउट पूछा गया है, यानी डायमीटर हमारा ये वाला डायमीटर होगा, इसके अबाउट अगर ये घूमेगा, या फिर ये भी तो डायमीटर ही है, इसके अबाउट ये घूमेगा, तो इसको मान लो ना x एक्सिस, तो आई एक्स एक्स लिख देना, इसको मान लो y एक्सिस, यहाँ पे आई वाई वाई लिख देना, यही पूछा गया हमसे, इसका वैल्यू होगा कितना, लेकिन हम लोग जानते हैं ये वाला, ये z एक्सिस के अबाउट जानते हैं जो मैंने लिख दिया है, तो वही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो लिख सकते हो कि आई एक्स एक्स प्लस क्या आई वाई वाई दिस इज इक्वल टू आई जेड जेड, है ना, तो लिख देते हैं आई जेड जेड, बाकी दोनों तो सेम ही है, ये डायमीटर है और ये भी डायमीटर ही है, तो लिख दो डायरेक्टली 2 into i diameter दैट इज इक्वल टू व्हाट, एम आर स्क्वायर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आई डायमीटर पूछा गया था, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यानी एम आर स्क्वायर बाई 2 ऑप्शन बी राइट होता, कुछ करना नहीं था,
ये सब किसी ने देखा होगा, देखते ही टिक कर दिया होगा, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। मैं तो समझा रहा हूँ बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, देखते ही टिक कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया, बी राइट आंसर होता, होपफुली क्लियर होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 9 जाना पहचाना क्वेश्चन है। जैसे ही दो ब्लॉक को सस्पेंड करोगे अनइक्वल मास ऐसे एक्सेलरेट तो करेगा ही। तो द सिस्टम इज रिलीज, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पूछा गया है, मतलब ब्लॉक का नहीं पूछा गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो देखते हैं क्या मिलेगा यहाँ पे, हम देखते हैं करना क्या। एक बार फिगर ड्रॉ करने का मैंने तो ड्रॉ कर लो। और फाइनली यहाँ पे दो ब्लॉक है हमारा, दो ब्लॉक लगा देते हैं। एक ब्लॉक का मास हमारा दिया था कितना, एम दिया था, और जो बड़ा वाला ब्लॉक है उसका मास दिया था 3 एम दिया था। ऐसे किसमें इतना तो हम समझ पा रहे हैं, ये वाला हमारा नीचे जाने वाला और ये वाला ऊपर जाने वाला, कितने एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे जाएगा। तो यहाँ देखो डायरेक्ट देख लेना, सिंपली देखो, अगर चाहते हो एक्सेलरेशन तो इसका जो अगर नेट एक्सेलरेशन मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर के डायरेक्शन और इसका एक्सेलरेशन ए नीचे के डायरेक्शन में, ऐसे ही देखो। अगर ये एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो शॉर्ट में ऐसे निकाल सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स बाई क्या, नेट मास, है ना, नेट मास। तो क्लियर सा बात है, अगर ये इक्वल मासेस का होता तो नेट ड्राइविंग फोर्स जीरो हो जाता, वो भी नहीं करता, अनइक्वल है तो बताओ उसके ऐसे लगेगा। तो 3 mg और mg, तो बचा हमारा कितना 2 mg हमारा नेट ड्राइविंग फोर्स होगा, और इसी की वजह से दोनों मास एक्सेलरेट करेगा, टोटल मास है कितना बताओ 4 m है, है ना। तो फाइनली यहाँ से मिल गया कितना बताओ, एक्सेलरेशन हमारा मिल गया पता है कितना, g/2 मिल गया ना। हाँ तो ये g/2 मिल गया, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। और एक बार एक्सेलरेशन निकल गया ना g/2, तो हम लोग से एक्सेलरेशन नहीं पूछा था, पता है क्या पूछा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा है। तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, हम लोग इतना तो जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, m1 a1 प्लस m2 a2 एन अपॉन m1 plus m2, यही होता है हमारा। अगर ये होता है तो चलो सॉल्व किया जाए। पहला वाला मास किसी को मान लो, है ना, एक को m1 मान लो, दूसरे को m2 मान लो, चॉइस तुम्हारा है। जैसे चलो इसी को मान लेते हैं m1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या m2 मान लेते हैं। तो फिर बता एक चीज़ और है, थोड़ा ध्यान देना, या मैं लिख के समझा देता हूँ। m1 का मास क्या बताओ 3 m है, और इसका अगर एक्सेलरेशन का बात करूँ तो इसका एक्सेलरेशन बताओ क्या नीचे, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर है। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन तो लेना ज़रूरी है, एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लोगे तो नीचे वाला डायरेक्शन तुमको निगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे यानी निगेटिव, यानी बताओ नीचे कितना, -g/2 लिख सकते हैं, प्लस का साइन देना। दूसरे वाले ब्लॉक का मास m है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर यानी g/2 सिंपली लिखा जा सकते हैं। नीचे दोनों का मास यानी बताओ क्या लिख सकते हैं, 4 m लिख सकते हैं। और सॉल्व अगर किया जाए ना तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन हमारा मिल गया, ऊपर तो ऐसे ही समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा हमारा, तो लिख सकते हैं 2 m और g/2 ऐसा ऊपर आ रहा है, और नीचे पहले से क्या प्रेजेंट है बताओ, 4 m प्रेजेंट है। मैंने सही लिखा ना फुली, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये दो बार में कैंसिल हो गया, और फाइनली मिला कितना बताओ, एक माइनस छूट रहा था यहाँ पे शायद, ये निगेटिव ज़्यादा था, तो पता है मिला कितना हमारा, -g/4 मिला। तो ये हमारा सेंट्रो मास का एक्सेलरेशन हो गया, जहाँ माइनस साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम का सेंट्रो मास किधर एक्सेलरेट करेगा, नीचे एक्सेलरेट करेगा। माइनस नहीं लिखा कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन हमारा मैग्नीट्यूड हो गया g/4, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होता। बहुत सारे क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट मिला नहीं, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 में क्या है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में बताया हमारा एक सैटेलाइट है जिसका मास कितना दिया बताओ, m दिया है, और अर्थ के चारों ओर घूम रहा हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस कितना दिया बताओ, r दिया था। अर्थ का मास m लेना है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द सैटेलाइट टू एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस अबाउट 3 r। तो पहले ऑर्बिटल रेडियस क्या था बताओ, r था, बाद में ऑर्बिटल रेडियस हम लोग 3 r करना चाहते हैं, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो कुछ भी नहीं है सैटेलाइट के बारे में, बताया ऑर्बिट चेंज होगा तो उसका एनर्जी चेंज होगा, ऑर्बिट चेंज होगा तो उसका एनर्जी चेंज होगा। और तुम लोग अच्छे से जानते हो सैटेलाइट के केस में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता कितना है, तो -g/mm बाई क्या होता है 2 r होता है, जैसे तुम पता होना चाहिए डायरेक्टली, है ना। ओके तो ऑर्बिट चेंज करेंगे तो क्लियर सा बात है एनर्जी तो चेंज होगा ही होगा, तो चेंज इन एनर्जी इज द रिक्वायर्ड एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी वो देख लेते हैं हम लोग, है ना, टोटल एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो ये क्या होगा, फाइनल टोटल एनर्जी माइनस क्या लिखेंगे, इनिशियल, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड एनर्जी होगा। और एनर्जी का बात किया जाए तो देखो इसमें क्या चेंज नहीं होगा, बहुत कुछ चेंज, बस एक ही चीज़ तो चेंज हो रहा है, ऑर्बिटल रेडियस, क्यों ना बाकी सब कांस्टेंट है बाहर निकाल लें। -g/mm बाई क्या होगा 2, ये बाहर निकाल लिया। फाइनली रेडियस हम लोग क्या चाहते हैं, फाइनली ऑर्बिटल रेडियस 3 r हो जाए, पहले कितना था बताओ 8 था, तो लिख देना है यहाँ पे, फाइनली हम लोग चाहते हैं 3 r हो जाए और पहले कितना था बताओ 8 था, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो लिख सकते हैं -g/mm/2, और ये वाला पार्ट अगर सॉल्व करें तो मेरे ख्याल से नीचे मिला 3 r, और ऊपर अगर समझ पा रहे हो 1 -3 दैट इज़ व्हाट -2,
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टू टू भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा जी एम एम बाई हमारा मिल रहा है 3R मिल रहा है, जी एम एम बाई 3R मिल रहा है। देखो तो मैंने सही लिखा है क्या, तो जी एम एम बाई 3R दिस इज द रिक्वायर्ड एनर्जी है ना, यही एडिशनल एनर्जी हमारा रिक्वायर्ड एनर्जी होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड एनर्जी होगा, होपफुली क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, तो 10 का ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, देख लेना क्लियर होना चाहिए, सैटेलाइट का क्वेश्चन था, ठीक है। देख लो क्वेश्चन को, एंजॉय करना, शुरू करो, टाइम आ गया काफ़ी क्लोज, तो पढ़ो, अपने आप क्वेश्चन सामने आएगा ना, मिलता जुलता तुम्हारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आएगा सामने, क्वेश्चन सॉल्व करना तुमको अच्छा लगेगा फिर, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 में क्या दिया है। तो चलो फिर से हमारा ऑर्बिटल स्पीड वगैरह कुछ कुछ लग रहा है मुझे, ऑर्बिटल स्पीड किसी अर्थ सैटेलाइट का दे रखा था, अर्थ के सरफेस के काफ़ी क्लोज ये दिया था, ओके। बाद में जब इसका रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस क्या हो गया, 4 times द रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, बिल्कुल चेंज होगा, हम लोग जानते हैं। तो ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर जी एम बाई आर होता है, ठीक है। दो केस दे रखा है, तो सेकेंड केस में पूछ रहा है स्पीड, है ना, तो ऐसे लिख देते हैं V2 बाई क्या V1, दिस इज इक्वल टू, देखो जी एम तो कैंसिल होगा नहीं, बल सॉरी जी एम तो इसका ये चेंज होगा नहीं, इसलिए बेटर है अगर मैं ये कंसिडर करूँ तो लिखा जा सकता है R2 बाई R1, होपफुली समझ तो पा रहे हो, इसके साथ ऐसा रिलेशन था रूट वाला ना, ये ऐसा लिख सकते हो, देखो V0 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या 1/√R। अब चलो मैंने यहाँ नॉट नहीं लिखा, समझ लेना ऐसी, तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ऐसा लिखा जा सकता है। फाइनली शुरू में देखो क्या था, काफ़ी क्लोज था सर अर्थ के सर्फेस का, मैंने पढ़ा कहीं है ना, लिखा ना नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ, यानी ऑर्बिटल रेडियस इज इक्वल टू व्हाट रेडियस ऑफ अर्थ शुरू में, और बाद में कितना हो गया 4 times हो गया था, तो बाद में 4 times हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, मेरे ख्याल से मिल रहा है कितना बताओ 1/2 मिला। तो ऐसे केस में, सेकेंड केस में अगर स्पीड हमसे पूछा गया, लिख देना V1/2, और V1/2 का मतलब होगा कितना पता है, दिया कितना था 7, तो 7 का हाफ कर लो, तो डेट इज़ व्हाट 3.5 हो गया किलोमीटर पर सेकंड, ये राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऐसा ऑप्शन दिया है, देखते हैं, हाँ दिया है, ऑप्शन ए राइट होगा। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्लियर हो गया होगा, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। चलो फाइनली देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हमारा एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये दे रखा था, और इसका सर लेंथ हम लोग इतने परसेंट से बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे केस में लेंथ बढ़ा रहे हैं यानी टेंशन तो जरूर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, स्ट्रेस होगा तभी स्ट्रेन होता है, तो इतना टेंशन हमारा वायर में डेवलप हुआ था, यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू पूछा गया है, हो गया, मतलब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से काफ़ी इजीली कर सकते हो, इतना तो जानते हो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉडल्स इनटू स्ट्रेन, ये तो लिख सकते हैं, मैं रिप्रेजेंटेशन सिग्मा यानी स्ट्रेस, स्मॉल ई मतलब स्ट्रेन, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, उससे परेशान मत होना, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग्स मॉडल्स, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस होता क्या बताओ, टेंशन अपॉन एरिया, क्योंकि टेंशन दिया था इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, यंग्स मॉडल्स हमारा रिक्वायरमेंट है, और स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ बाई क्या ओरिजिनल लेंथ। अब रहा बात यंग्स मॉडल्स चाहिए, तो मेरे ख्याल से हो ही जाएगा क्वेश्चन, टेंशन कितना दिया था बोलो तो ज़रा, ये 1000 दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं 1000, नीचे देखा था एरिया 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 एरिया, तो ऑलरेडी मीटर में ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10^-6 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू यंग्स मॉडल्स इनटू डेल एल बाई एल, तो आई थिंक परसेंटेज फॉर्म में दे रखा था 0.1%, तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ ऐसे तुम्हारा, डेल एल बाई एल इनटू 100, ये हमारा दे रखा है 0.1 दिया था, तो बताओ डेल एल बाई एल यहाँ से कितना मिल रहा है, तो वो मिल रहा है हमारा, लिखा जा सकता है सिंपली 0.1 बाई क्या लिख सकते हैं बताओ 100 लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया, फाइनली सॉल्व करो, हो गया क्वेश्चन, कितना इजी इजी क्वेश्चन तो है, है ना, तो बेटर होगा मैं ये डेसिमल हटा के यहाँ जीरो कर लेता हूँ, और ये 1000 × 1000 × 10^6, तो टोटल मेरे ख्याल से मिल रहा है 10^12 मिल रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडल्स, हो गया क्वेश्चन, है ना, 12 का आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 राइट होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, तो ऑप्शन ए राइट होता है इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन ए, होपफुली क्लियर होगा, देख लेना अच्छे से, है ना, ऑप्शन ए राइट होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया है। तो नेक्स्ट वाला हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 मेरे ख्याल से फिर से हमारा सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं थोड़ा अलग है, ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब वही बात है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, इसके बाद बात करेंगे, है ना। दो वायर हमारा आइडेंटिकल लेंथ, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया बताओ, सर्कुलर है इसका, और क्रॉस सेक्शन का रेडियस देख पा रहे हो, ऐसा रिलेशन दिया था, एक का दूसरे से डबल है। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स बोथ वायर, फॉर अ गिवन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स बोथ वायर कंडक्ट हीट एट द सेम रेट, तो रिलेशन बिटवीन थर्मल कंडक्टिविटीज ये पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा वही फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन या फिर ओम्स लॉ का एनालॉगस, जो हीट करंट के लिए, रेट ऑफ हीट फ्लो के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते थे वो लिख देते हैं, हीट करंट dQ/dt, ये होता क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस होता है। थर्मल रेजिस्टेंस अगर अच्छे से लिखना चाहते हो लिख लेना θ2, और थर्मल रेजिस्टेंस होता क्या है, तो L अपॉन KA होता है, तो KA मैं ऊपर लिख देता हूँ ऐसे, ठीक ठाक है।
अब ऐसे केस में देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि कंडक्टिविटी का रेशियो पूछा गया है। क्वेश्चन में और कुछ बोल रहा है, पता है क्या, फॉर अ गिवन टेम्परेचर डिफरेंस, अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा तो हीट ट्रांसफर का रेट भी क्या है, सेम है। तो देखो पता है, बेस को कट कर सकता हूँ, अगर एक टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखेंगे तो हीट ट्रांसफर का रेट भी क्या है, सेम है हमारा, और दोनों का मैंने नोटिस किया था लेंथ भी सेम दिया था, आइडेंटिकल लेंथ था, ये लेंथ भी सेम है। यानी अल्टीमेटली ऐसे केस में के और ए में कैसा रिलेशन होगा, के ए इज वॉट कॉन्स्टेंट, के ए इज वॉट कॉन्स्टेंट, ऐसा आ रहा है क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। यानी समझ में आ गया के और ए में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, और अगर ऐसा है तो कंडक्टिविटी का रेशियो पूछा था, कौन सा बड़ा बात है, हम लोग लिख सकते हैं सिंपली बताओ क्या, ए ए अपॉन क्या ए बी, इनवर्स रिलेशन था। लेकिन सर रेडियस दिया था क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो लिख देते हैं आर ए आर बी इसका वोल स्क्वायर, बिकॉज पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाता है। और ऐसे केस में आई थिंक ये रेशियो तो हम लोग को पता है ही, उल्टा लिखा है ना, ठीक है, तो रेशियो हमारा पता है आर ए बाई आर बी इज़ टू, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन बाई टू होगा, आर बी बाई आर ए वन बाई टू होगा, तो वन बाई टू का वोल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ, वन बाई फोर लिख सकते हैं। और अगर ऐसा हमने लिख लिया तो के का वैल्यू, मेरे से मेरे ख्याल से रिलेशन पूछा था दोनों में, तो बिल्कुल सही है हमारा, हो गया क्वेश्चन, लिख सकते हैं बताओ क्या, के ए दिस इज इक्वल टू के बी बाई क्या, फोर होना चाहिए, ये राइट ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन का, यानी के बी बाई फोर, के बी बाई फोर, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होता है इसका, ऑप्शन डी राइट होता है 13 का, देख लेना, ऑप्शन डी राइट होना चाहिए, ठीक है। चलो इसका देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 में क्या दिया देखा जाए थोड़ा। 14 में हमारा है क्या ना, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइडियल गैस इज गिवन बाई, कौन सा रिलेशन हमारा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी बताएगा, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी मतलब गामा इज वॉट सी पी बाई सी वी, इसी का रेशियो पूछा गया, कौन हमारा ठीक से बता रहा है इस बात को, देखा जाए तो थोड़ा सा ये रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, आई थिंक हम लोग जानते हैं सी पी माइनस सी वी दिस इज इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट आर होते हैं, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी ले रहे हैं तो स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, तो ऐसे गैस में करो क्या ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख लो कि आंसर मैच कर, जैसे इसमें देखो पता है क्या नहीं है, सी वी नहीं है, तो सी वी एलिमिनेट करना, तो थोड़ा यहाँ से सी वी एलिमिनेट करना, बताओ यहाँ नीचे लिखते हैं गामा दिस इज इक्वल टू सी पी रहने देते हैं और सी वी हटाते हैं, सी वी हटाएंगे क्या लिखेंगे सी पी माइनस आर, तो सी पी माइनस आर लिख देना, दिस इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा और काम करो, दोनों साइड ऊपर नीचे सी पी से डिवाइड करो, ये वन हो जाएगा, इसको सी पी से डिवाइड करेंगे, वन माइनस क्या आर बाई क्या सी पी, ऐसा कुछ, तो देख लो आंसर मैच कर रहा है नहीं, ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऐसा वाला शुरू वाला ही मैच कर गया, तो चलो ठीक है ऑप्शन यही राइट होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होता, होपफुली क्लियर होना चाहिए। स्टिल तुमको और क्रॉस चेक करने का, मैंने और क्रॉस चेक कर लो, जैसे ये सी वी के फॉर्म में, ये दोनों तो रिजेक्ट ही हो नहीं, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, बट ये देख लेते हैं एक बार, बी और सी में कोई करेक्ट हो रहा है नहीं। अगर गामा लिखते हैं तो गामा हमारा सी पी बाई सी वी, अगर मैं सी पी को एलिमिनेट करता तो क्या लिखते हैं बताओ, सी वी प्लस आर लिखते हैं, और पहले से प्रेजेंट क्या है बताओ, सी वी प्रेजेंट है, ये वाला देख लो सी पी का वैल्यू पुट किया, सॉल्व करो ज़रा क्या मिल रहा है, वन प्लस आर बाई सी वी मिल रहा है, अगर मैं सी वी से डिवाइड करूँ अलग अलग तो सेपरेट डिवीजन है ना, आर बाई सी वी मिल रहा है, तो ऐसा ऑप्शन है क्या, नहीं है, ये वन माइनस दे दिया, वन प्लस होता तो वो भी करेक्ट हो जाता, वन माइनस दे दिया, यानी बिल्कुल ऑप्शन ही करेक्ट होगा, एक ही होगा, ऐसे भी करेक्ट कर सकते हो, के ये एम मान लेना है मीन पोजिशन एक्स इज इक्वल टू जीरो है, इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके आगे ले जाएंगे, छोड़ेंगे एस एच एम करेगा, एंड ड्यूरिंग एस एच एम अगर तुम मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू जानते ही हो तो डायरेक्ट बना लो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता क्या, ओमेगा स्क्वायर ए होता है ना, ये होता है हम लोग जानते हैं, ऐसे कैसे ओमेगा का बात किया जाए तो यहाँ पे ये भी हम लोग जानते हैं, ओमेगा क्या लिखा जा सकता है, रूट ओवर क्या के बाई एम, ये हमारा हो गया k बाई एम, और फाइनली जस्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेना, बताओ क्या मिल रहा है, k बाई एम और इनटू क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, और सब कुछ तो गिवन है ही हमारा, बताओ k कितना दिया है, k हमारा दिया है 1000, मास कितना दिया बताओ 10 दिया है, और रहा बार एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमारा दे रखा था बताओ कितना 10 सेंटीमीटर, तो क्यों ना उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया जाए 10/100, ऐसे केस में देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये 10 कैंसिल हो गया, 100 और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या बस 10, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, है ना, ये राइट आंसर होना चाहिए 10, तो ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन राइट हो रहा है इस क्वेश्चन, तुम चाहते तो डायरेक्टली बना सकते थे कि भाई ब्लैड एक्सट्रीम पोजिशन क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स हमारा स्प्रिंग की वजह से लगेगा, स्प्रिंग जो मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, और उसको डायरेक्टली कर सकते थे, मास इंटू एक्सेलरेशन से हो जाता है, ठीक है, मैं ये बोल रहा था स्प्रिंग फोर्स हम लोग जानते हैं, बताओ क्या होता है, के एक्स होता है, तो ये मैक्स होता है, तो ये हमारा मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए मैक्सिमम फोर्स, और इसके लिए बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल जाता, लॉजिकली सेम ही है दोनों, तो यहाँ से मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते सेम ही होता है, के बाई एम एक्स मैक्स, ठीक है, के बाई एम एक्स मैक्स, तो ठीक है एक ही बात है, जैसे बताओ आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखो ये हमारा शायद एक वेव का इक्वेशन दे रखा है, ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है, जान रहे हो प्रोग्रेसिव वेव,
और फाइनली डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 5 सेकेंड, तो कितना ट्रेवल करेगा जाहिर सी बात है वेव का स्पीड चाहिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम लोग देखेंगे ना, 17 देखेंगे तो ध्यान दो, वेव का स्पीड हम लोग जानते हैं बताओ होता क्या है, ये ओमेगा बाय के होता है। ओमेगा यानी कॉफिशियंट ऑफ टी, कॉफिशियंट ऑफ टी पाई बाय टू है, तो पाई बाय टू लिखना है तो लिख लो यहाँ पे पाई बाय टू। और कॉफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशियंट क्या है बताओ, पाई बाय फोर, यहाँ पाई बाय फोर लिख लेना। ऐसे कैसे बताओ सॉल्व होके कितना मिल रहा है, तो ये 2 मिल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड हमारा वेव का स्पीड हो गया। तो पूछा गया है इतने टाइम में वेव कितना डिस्टेंस कर, कितना इजी क्वेश्चन तो है। डिस्टेंस हमारा होता क्या बताओ, स्पीड इनटू टाइम होता है, कर लेना। स्पीड हमने निकाला है 2, टाइम बोल रहा है 5, यानी आंसर क्या हो गया 10 मीटर हो गया, 10 मीटर राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। राइट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जिसका आंसर होता है 10 मीटर, ऑप्शन बी राइट होता है इस क्वेश्चन का, वो फुली क्लियर होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओहो इतना इजी क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। 18 में क्या बोल रहा है देख रहे हो, कि किसी बॉडी पे इतना चार्ज है 1 नैनोकूलम चार्ज है, तो पूछा जा रहा है कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। बताओ भाई एक्सेस इलेक्ट्रॉन का ही बात हो रहा होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन का तो क्लियर सवाल है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, एनी। और बताओ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू वॉट, क्यू बाई ई लिख सकते हैं। क्यू हमारा कितना दिया था 1 नैनो, नैनो मतलब कितना 10^-9 लिख सकते हैं। ई यानी 1.6×10^-19 लिखा तो जा सकते हैं। ऐसे किस में थोड़ा ठीक से लिखोगे ना, ये डेसिमल हटेगा ऊपर 10 आएगा, 10 एक जीरो और यहाँ ले लेते हैं, और 10^9 लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं 16। वो फुली क्लियर है, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, डेसिमल हटा एक जीरो आया, एक जीरो यहाँ से मैंने कॉपी ले लिया। 100/16 कितना होना चाहिए, तो 16×96 यानी 6.25×10^9 ये राइट आंसर होना चाहिए था। तो 10^9 6.25×10^9 हाँ, तो 6.25 तीन ऑप्शन था, ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होता, वो फुली क्लियर है। अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन है ना, देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है, 19 तो ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है, एग्जाम में आते ही रहता है, प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं तो ध्यान रखना। यहाँ पे है क्या ना, कैपेसिटर का 2 प्लेट है और इसके बीच में कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब ला के रख दिए, थिकनेस वगैरह दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा कैसे प्लेट के बीच में। तो एक बात बताना, अगर मान लो सिंपली 2 कैपेसिटर होता, 2 कैपेसिटर नहीं एक ही कैपेसिटर होता सॉरी, और ये 2 प्लेट्स के बीच का फील्ड, अगर मान लो प्लेट्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और माइनस सिग्मा मैं लिखता हूँ, तो फील्ड तो हम लोग जानते हैं 2 प्लेट्स के बीच का फील्ड हमारा होता कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सिग्मा इज कॉन्स्टेंट, एप्सिलॉन इज कॉन्स्टेंट, जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो ये जो प्लेट के बीच का सेपरेशन है जो कि डी दे रखा है, अगर यहाँ से यहाँ जाओगे तो आई थिंक वो चेंज तो हो नहीं रहा, अगर ग्राफ अगर हम लोग बनाते ना कि हमारे फील्ड का वेरिएशन डी के साथ कैसे हो रहा है, जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे कैसे होगा, तो इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट रहता है ना, ऐसा होता। ये कब होता, इन द एबसेंस ऑफ एनी डायलेक्ट्रिक, बट यहाँ डायलेक्ट्रिक आ गया तो डायलेक्ट्रिक आने के बाद होगा क्या, ये जो जैसे यहाँ पे डायलेक्ट्रिक आएगा ना, तो सब लोग जानते हो डायलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड जीरो होता है क्या, बिल्कुल नहीं, डायलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड होता है और फील्ड थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, तो अंदर में फील्ड हमारा ई मान लेते हैं और ये क्या होता है बताओ, ई नॉट बाई के होता है ना, ये इस फील्ड के टाइम से रिड्यूस हो जाएगा जो भी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा, तो के टाइम्स रिड्यूस होगा तो मेरे ख्याल से अंदर में फील्ड क्या थोड़ा कम हो जाएगा, अंदर फील्ड क्या होगा कम होगा, बिकॉज के इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ऐसे केस में अंदर में फील्ड कम होगा, तो फील्ड कम होगा तो फील्ड कम जो रीज़न जहाँ पे डायलेक्ट्रिक है वहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस खाली कर लेता हूँ, और इस रीज़न में हमारा फील्ड क्या होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए, ऐसे नीचे आएगा ग्राफ। तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए इस हमारे क्वेश्चन का, यानी कौन सा ऑप्शन सही होता, ऑप्शन सी सही होता, ऑप्शन सी सही होता इस क्वेश्चन का, होपफुली क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 था, देख लो क्लियर है या नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला दिया क्या हमारा, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का होता है वो किसका कंसिक्वेंस है। अब देखो पढ़े हो तो ऐसे ही टिक कर लोगे, कुछ है नहीं इसमें, है ना, नेट में ऐसा भी क्वेश्चन आते ही रहता है, सब ऐसे ही डिजाइन किया गया तुम्हारा पेपर, पढ़े हो तो ऐसे ही देखोगे टिक कर लोगे, कुछ है क्या इसमें। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ सब लोग जानते हो किससे बेस्ड होता है, फर्स्ट लॉ मतलब जंक्शन लॉ, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी रेट एट विच चार्ज इज एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट एट विच चार्ज इज लीविंग द जंक्शन, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और दूसरा वाला किससे बेस्ड होता है, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमारा जीरो होगा, तो ये हमारा बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है दूसरा वाला, तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी, हाँ ऑप्शन बी राइट होगा इसका। फर्स्ट लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे और सेकेंड लॉ बेस्ड होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, होपफुली ये सबको पता होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं, ऑप्शन बी राइट होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 21, व्हीटस्टोन ब्रिज वन ऑफ द फेमस टॉपिक है जो कि नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहता है इससे भी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा चारों आर्म्स का रेजिस्टेंस इक्वल है और गैल्वेनोमीटर के आर्म का रेजिस्टेंस भी आ रही है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का एस सीन फ्रॉम द बैटरी होगा, ये तो डायरेक्टली आ रही होगा,
है ना, जब सारे ही सेम हो जाते हैं तो आर हो जाता है डायरेक्टली। देख लो इसका ऑप्शन कहाँ दिया है, आर राइट होगा, कुछ करना ही नहीं था इसमें। बस चल तुम देखना चाहते हो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। तो जो स्टैंडर्ड डायग्राम होता है वी टेस्ट मोड का, मैं वही बना रहा हूँ, वही बना रहा हूँ। ये मान लो बैटरी हो गया हमारा, ये मान लो बैटरी हो गया, ठीक है। इसका देखो सारा रजिस्टर ऐसे ही दिखा देते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा रजिस्टर हमारा आइडेंटिकल है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी है मान लो जी, और इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस में यहाँ दिखा देता हूँ, सारा का सारा सेम ही है, आर 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 और ये भी आर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे कैसे, देखो बैलेंस कंडीशन में तो बीच वाला से कोई करंट फ्लो होगा नहीं, बीच वाले को हटाया जा सकता है, मैं हटाने जा रहा हूँ, इसको हटा देना। ये हटाने के बाद बताओ हुआ क्या, ये दोनों सीरीज़ में यानी कितना हो गया बताओ। ये हमारा 2R हो गया, ठीक है। वैसे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, और 2R और R पैरेलल में यानी R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। चलो कुछ था नहीं, देख के टिक करना था, थोड़ा मैं इसका टिक कर लेता हूँ, ऑप्शन ए राइट होता है इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है। 22 वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन अगेन, ये सारा नेट के एग्जाम में आते रहते हैं। 22 में क्या है ना, दो सर्कुलर लूप है हमारा, रेडियस कितना बताओ, आर है, सिमिलर लूप है, दोनों का रेडियस आ रही है। कॉन्सेंट्रिकली मतलब सेंटर एक जगह लाई कर रहा है, प्लेन राइट एंगल पे है, तो ऐसे कैसे पूछा जा रहा है। वेट क्या पूछा जा रहा है, उससे पहले करंट हमारा ये फ्लो कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछा जा रहा है। मान लो एक सर्कुलर लूप है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, फॉर्मूला पहले लिखा जाए, बस मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई बाई 2R होता है ना, अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, रेडियस आ रहा है। तो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से दो लूप है और दूसरे लूप का प्लेन जो है परपेंडिकुलर है इसके, तो मैग्नेटिक फील्ड एक के कारण बाहर तो दूसरे के कारण मान लो राइट में होगा, मतलब कुछ भी ले सकते हो। अगर प्लेन ही परपेंडिकुलर है तो जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा उनका भी डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे केस में अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो रिजल्टेंट क्या लिखते हो, B1² + B2² लिख देते हैं, फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड। फिर फार्मूला तो यही लगेगा दोनों के लिए, क्या अलग है, बस करंट अलग है, बाकी सब तो सेम ही है। कांस्टेंट वाले को बाहर निकाल लिया जाए, म्यू नॉट बाई 2R मैं बाहर ही रख लेता हूँ। रूट के अंदर क्या आएगा, करंट, करंट करंट करंट, पहले वाले केस में दिया था I, यहाँ लिख देना I का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देना √3I का होल स्क्वायर लिख देना, ठीक है। ये हो रही है, सॉल्व करोगे मेरे ख्याल से मेल्ट हो गया म्यू नॉट बाई 2R, और ये सॉल्व करिए कितना मिल रहा है, देखो 4 और लिखो क्या, लिख ही देते 4I स्क्वायर मिल रहा है, यानी बताओ कितना मिला, म्यू नॉट बाई 2R इंटू 2I। ऐसे केस में देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, राइट आंसर मिला क्या, म्यू नॉट आई बाई आर मिला, म्यू नॉट आई बाई आर इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी राइट होता, वो फुली क्लियर होना चाहिए। ये था हमारा 22, ठीक है, 22 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा था, फ्री हमारा रोटेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इतना तो डायरेक्शन 60° फ्रॉम द फील्ड। डायरेक्ट बनाता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, वही डाइपोल हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, इसका फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, रोटेटिंग द मैग्नेटिक डाइपोल, cos θ1 - cos θ2। इनिशियली एंगल कितना बन रहा था मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड में, तो पैरेलल लिखा था इसलिए 0° लिख सकते हैं, देख लो पैरेलल लिखा था इनिशियली, पैरेलल बाद में कितना बनाना है, 60 बनाना है, तो 60 के लिए बताओ बाद में फाइनल एंगल क्या लिख दोगे, 60 लिख देना, हो गया। बस यहाँ सॉल्व करते हैं, MB तो cos 0 - cos 60, cos 0 हमारा होता कितना है बताओ, तो ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 1/2 हो गया, सॉल्व करोगे मिलेगा कितना बताओ, MB/2 मिला, तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो MB/2, और एक काम तो और करना पड़ेगा, तुमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, मैंने वैल्यू नहीं पुट किया, चलो पुट कर लेते हैं लास्ट में भी, MB/2, तो मास नहीं मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया था हमारा, 10⁴ दिया था, मैं पुट करता हूँ 10⁴, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, 4 × 10⁵ दिया था, बाई कितना 2 लिख सकते हैं, ये देख पा रहे हो 0.4/2, ठीक है, तो 0.4/2 दैट इज 0.2 राइट आंसर होना चाहिए था इस क्वेश्चन का, 0.2 जूल, इतना काम करना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट होता है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए राइट होता, देख लेना एक बार ठीक से, ऑप्शन ए राइट होता। चलो क्लियर हो गया, होपफुली क्लियर होना चाहिए, देखते जाना। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 24 अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो 24 में क्या दिया था कि इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आर पासिंग थ्रू अ क्वाइल जिसका रेजिस्टेंस ये है, नंबर ऑफ टर्न्स ये है, और नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस रिड्यूस कर गया इतना हो गया 0.1 सेकेंड में, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही EMF के बारे में पूछा जा रहा है, कितना इंड्यूस होगा और करंट भी कितना इंड्यूस होगा बताइए। हो गया, EMI का क्वेश्चन है, फैराडे लॉ, तो बताओ हम लोग इतना तो जानते हैं E = क्या होता है, -N ∇φ
बाय डेल्टी, मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ एवरेज के टर्म में, इंस्टेंटेनियस को दिया नहीं है तो ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है एवरेज है ना, क्योंकि फाइनल और इनिशियल चेंज डायरेक्टली दिए, तो ई एवरेज ऐसा लिखा तो जा सकते हैं कहीं ना कहीं। बस अगर मैग्नीट्यूड ही निकाले तो माइनस साइन हटा दो और नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि सब कुछ मैग्नीट्यूड ही पूछा है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारा कितना है बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स दिया 1000 दिया, तो ये हमारा 1000 दिया था। और फ्लक्स में चेंज का बात किया जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल, या देख लो जो बड़े यार उसने छोटा घटा देना, ये दिया था 5.5 × 10⁻¹ और ये दिया है पावर, देख रहे हो ना, इसको अगर बनाएंगे तो 55 हो जाएगा, 55 - 5 ऐसा लिख लो, चेंज कितना हो रहा है 55 - 5 × 10⁻¹⁵, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अच्छे से देख लो, इसको लिख सकते हैं ना 55 × 10⁻¹⁵, तो दोनों का पावर सेम हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। और ये चेंज होने में टाइम कितना लगा, 0.1। फाइनली ऐसे कि इसमें देखा जाए ठीक से तो मिल रहा है कितना बताओ, ये 1000 मिल गया, ये 1000 था, और ये देखा जाए तो 50, चलो लिखते हैं 50 × 10⁻¹⁵ और 0.1 का पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा क्या बताओ 10, ठीक है। तो ऐसे कि इसमें ध्यान दिया जाए, बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो सर हाँ कैंसिल ज़रूर हो रहा है, सारा जीरो कैंसिल किया जा सकता है, देख लो ये 3 0, एक 4 और ये 5 और ये मिलके कैंसिल हो गया, बताओ रिजल्ट मिला कितना 5 वोल्ट। तो हमारा EMF होना चाहिए बताओ 5 वोल्ट होना चाहिए, ये राइट आंसर होना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमसे करंट भी पूछा गया कितना करंट इंड्यूस होगा, तो करंट कितना इंड्यूस होगा, करंट के लिए वही ओम्स लॉ लगा लेना, E बाई क्या R लिख लेना, ये हमारा 5 मिला है। और रेजिस्टेंस देख लो तुम खुद से, 10 दिया था तो 10 दिया था यानी बताओ लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर राइट आंसर होता, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 5.05, हाँ ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ही राइट होता। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले में क्या दिया देखते हैं। 25 अगर चेक किया जाए तो मेरे ख्याल से सेम करंट इज फ्लोइंग इन टू अल्टरनेटिंग सर्किट्स, फर्स्ट सर्किट कंटेन्स ओनली इंडक्टेंस एंड द अदर कंटेन्स ओनली कैपेसिटर, पहला इंडक्टिव सर्किट है, दूसरा प्योरली इंडक्टिव, दूसरा प्योरली कैपेसिटिव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMF ऑफ AC इज इंक्रीज, तो इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ करंट विल बी, करंट का वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो क्लियर सा बात है, अगर इस पर देखा जाए तो ये हमारा क्वेश्चन किसका हो गया, AC का क्वेश्चन है, और अगर हम लोग बात करते हैं किसका बनाना, प्योरली इंडक्टिव का, अगर बात करते हैं प्योरली इंडक्टिव का, तो यहाँ बताओ चलो IRMS ही करके लिखते हैं, IRMS क्या लिख सकते हैं, ERMS और इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो XL लिख सकते हैं, या अच्छे से लिखो तो ERMS बाई क्या लिखेंगे बताना, ओमेगा L। फिर बात करते हैं प्योरली कैपेसिटिव का, प्योरली कैपेसिटिव का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं IRMS दिस इज इक्वल टू ERMS और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये अगर ठीक से लिखा जाए तो जानते हो 1/ωC होता है, तो ERMS into ωC ऐसे लिखा तो जा सकते हैं। फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो ओमेगा अगर बढ़ेगा तो मेरे ख्याल से यहाँ तो करंट कम हो रहा है, और ओमेगा अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे किस में राइट आंसर क्वेश्चन का होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए देखते हैं ज़रा। तो आई थिंक 25 का डिक्रीजेज इन फर्स्ट होगा और इंक्रीजेज इन वॉट सेकेंड होगा, डिक्रीजेज इन फर्स्ट एंड इंक्रीजेज इन वॉट सेकेंड, तो ऑप्शन डी राइट होना चाहिए इसका, ऑप्शन डी राइट होना चाहिए। एक बार मैं थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करना चाहूँगा, यहाँ पे पहले दिया था हमारा इंडक्टिव, बाद में दिया था हमारा कैपेसिटिव, ठीक है तो ऑप्शन डी राइट होता है, होपफुली क्लियर होना चाहिए था हमारा क्वेश्चन नंबर 25, देख लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 26 है ये, 26 देखते हैं, पहले क्या लिखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे ही जानते हो, बताओ होता क्या है, B.A होता है, यानी A का 4 होना चाहिए, A का हमारा 4 होना चाहिए था। चलो B में क्या हमारा मोस्टल EMF, मोस्टल EMF याद है, डॉट ट्रांसलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड BLV, तो मोस्टल EMF हमारा क्या हो गया बताओ, BLV हो गया, यानी इसका ऑप्शन 1 होना, मतलब 1 से मिला सकते हो, इसको 1 से मिला सकते थे। नंबर 3 इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हमारा, तो फ्लक्स बाई करंट हम लोग लिख सकते हैं, इंडक्टेंस हमारा C, तो C हमारा हो गया बताना कितना, ये 2 से मैच किया जा सकता है, ईजी है सारा। अब D लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्या हमारा, लास्ट वाला हमारा इंड्यूस्ड EMF, तो इंड्यूस्ड EMF क्या होता है हमारा बताओ, अभी जस्ट उसका क्वेश्चन कर रहे थे, ND5/dt माइनस ND5/dt, तो हमारा D को लिख सकते हैं बताओ कि ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो 3 से मैच कर सकते हो, 3 से, ठीक है। तो हो गया हमारा 4123 होना चाहिए, 4123 4123, तो 4123 यानी ऑप्शन इसका सी राइट होता, ऑप्शन सी राइट होता। यहाँ थोड़ा छोटा करके मुझे दिखाना पड़ा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो क्वेश्चन में रेफर कर लेना ठीक से, अगर यहाँ दिखा नहीं तो है ना, तो राइट ऑप्शन होना चाहिए 4123, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कर सकते थे, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 27 में देखा जाए क्या दिया है, 27 में क्या है हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है हमारा इस रेट से बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर
जिसका कि एरिया दे रखा था, तो डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जा रहा है क्या होगा, ईएम वेव है ना। तो डिस्प्लेसमेंट करंट सब लोग जानते हो, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट का प्रोडक्शन होता कितना है, तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये होता है ना हमारा डी फाई ई बाई डी टी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, ये लिखा जा सकता है, अच्छे से लिख लेते हैं पहले, रुको, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, बताओ फील्ड किस रेट से चेंज हो रहा है वो गिवन था और एरिया पे गिवन था। तो फ्लक्स हम लोग जानते हैं ई डॉट ए होता है, तो वहाँ से अगर मैं एरिया बाहर निकाल लूँ तो यहाँ बचेगा क्या बताओ, डी ई बाई डी टी बचेगा, बाकी हो गया कुछ करना नहीं था, सब कुछ तो गिवन है ही। ई का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻¹², ये लिख लेना पहले। फिर एरिया देखते हैं दिया या नहीं, 2 cm², तो 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 10⁻⁴ कर लेना मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। डी ई बाई डी टी मेरे ख्याल से ये वाला 6 × 10⁶, तो 6 × 10⁶ हो गया, ठीक है। यहाँ सर यूनिट थोड़ा करेक्शन कराना पड़ेगा, है ना, यूनिट करेक्शन कराना, वोल्ट पर मीटर होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, तो यूनिट करेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी, क्वेश्चन में करेक्शन हो जाएगा। फाइनली देखते हैं यहाँ पे, तो अगर ऐसा हमारा सिचुएशन है तो फाइनली यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, चेक करते हैं थोड़ा ठीक से। तो बस मल्टीप्लाई टू करना और कुछ करना थोड़ी है, तो देखो 6 × 12 = 96 होता है, तो 8.8 है, 96 से थोड़ा ज़्यादा 100 समथिंग, यानी तो मल्टीप्लाई करके देखना है सारा नंबर्स को, मेरे ख्याल से 106 के आसपास ज़रूर आएगा, मैं इतना ही लिखता हूँ। और इनटू 10⁻⁶ देख लेते हैं क्या हमारा, तो 10⁻⁶ ये हो गया हमारा 16 और वो आएगा तो 10, तो 10⁻⁻ ऐसा मिल रहा है, ठीक से लिखा रहा है तो लिख सकते हैं कितना बताओ, 1.06 × 10⁻⁸, ये राइट आंसर होना चाहिए। इतना एम्पेयर हमारा करंट, हमारा इतना डिस्प्लेसमेंट करंट का प्रोडक्शन होगा, तो यानी राइट ऑप्शन क्या हमारा, ऑप्शन ए राइट होता है इसका, ऑप्शन ए राइट होता है। चलो ठीक है, यूनिट करेक्शन मैं करा दूंगा, वोल्ट पर मीटर होना चाहिए था, ठीक है, इसको देख लेंगे, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का बात किया जाए तो 28 में क्या, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो एक कॉन्केव मिरर है हमारा और एक कॉन्केव लेंस है, ठीक है, दोनों का फोकल लेंथ क्या बताओ सेम था एयर में, जैसे ही दोनों को सबमर्ज करेंगे ग्लिसरीन में मीडियम चेंज हो रहा है बाहर वाला, तो फोकल लेंथ मिरर का अनचेंज रहेगा और वाइल दैट ऑफ द लेंस इंक्रीज होगा। आई थिंक ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, अगर थोड़ा लॉजिक लगाते हुए असर्शन बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो मैं समझा देता हूँ क्यों, है ना, असर्शन को मैं समझा देता हूँ क्यों, बिकॉज हम जानते हो अगर बात करेंगे मिरर का, तो मिरर का सिंपली फोकल लेंथ क्या लिखा जा सकता है, कौन सा मिरर दिया था, स्फेरिकल मिरर ही है ना, कॉनकेव मिरर है, तो देखो मिरर का फोकल लेंथ लिख सकते हो कितना बताओ, आर बाई टू, बेटर हुआ चाहो तो लिख सकते हो माइनस आर बाई टू बढ़ रहे हैं, मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखते हैं, तो ये कुछ भी मीडियम पे डिपेंड तो करता है नहीं, किसी दूसरे मीडियम में लेके जाओगे तब भी यहाँ पे कुछ चेंजेस तो होगा नहीं, बिकॉज रिफ्लेक्शन का मीडियम से कोई लेना देना है ही नहीं, है ना, रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसके फोकल में चेंज नहीं होगा, मीडियम चेंज करने से नहीं होगा। सो अगर ग्लिसरीन में डिप भी करेंगे सो इट विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट, ग्लिसरीन मतलब एयर टू ग्लिसरीन ले भी जाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एयर टू ग्लिसरीन ले जा रहे हैं, मैं अच्छा से लिखता हूँ, रुको, इसको ले जा रहे हैं हम लोग एयर टू ग्लिसरीन ले जा रहे हैं, तो ऐसे ही इसमें होगा कि हमारा मीडियम चेंज होगा बट फिर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ लेंस का जरूर चेंज होगा, बिकॉज लेंस का तुम जानते हो, लेंस का हमारा वो याद है लेंस मेकर फार्मूला क्या होता था, 1/focal length, वेट मैं पावर के टर्म में लिखता हूँ, बाद में इसको लिख देंगे, याद रखो पावर लेंस मेकर फार्मूला, पावर ऑफ लेंस क्या होता था हमारा, μ2/μ1 - 1 और 1/r1 - 1/r2, ये फार्मूला देखा ज़रूर लग रहा होगा सबको, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और अगर मैं यहाँ पे लेंस बना दूँ तो ऐसे कि इसमें ये वाला मीडियम हमारा मान लो μ1 है, ये वाला जो ग्लास जिससे भी बना होगा μ2 हो गया, और ये फिर से हमारा μ1 हो गया, रेडियस तो समझ पा रही है, ये वाला मान लो इसका रेडियस, एक का रेडियस ले रहे हैं r1, दूसरे का ले लेते हैं r2 ले लेते हैं, ठीक है, बट इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में, ये मान लो मैंने r1 माना है और ये वाला माना है कि r2 माना है, चलो ठीक है। फाइनली ध्यान देना, हम लोग यही जानते हैं कि लेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड होता है, तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो बताओ ठीक है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदला, लेकिन μ1 तो बदल गया ना, μ1 बदल गया, हम लोग कहाँ चले गए बताओ, एयर से ग्लिसरीन में चले गए, तो ग्लिसरीन का ऑब्वियसली μ ज़्यादा होगा एयर से, μ ज़्यादा होगा, तो ऐसे कैसे बताओ μ1 हमारा बदल गया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग μ1 क्या हो गया, बढ़ गया, μ1 बढ़ेगा ना, तो μ1 बढ़ेगा तो बताओ ये रेशियो क्या होगा, कम होगा, ये रेशियो क्या होगा, कम होगा, तो पावर क्या होगा, कम हो जाता है, पावर क्या होता है, कम हो जाता है, और सब लोग जानते हो पावर क्या होता है, 1/focal length होता है, तो अगर फोकल पावर कम हो गया तो फोकल लेंथ ज़रूर हमारा बढ़ गया होगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस ज़रूर हमारा बढ़ गया होगा, तो ऐसा कुछ केस होगा, तो वही दिया था हमारा, बिल्कुल सही है हमारा, लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, बट हमारा बात किया जाए मिरर का, तो मिरर का फोकल लेंथ हमारा चेंज नहीं होगा। इसका देखते हैं रीज़न क्या दिया था, रीज़न दिया था फोकल लेंथ ऑफ लेंस ये होता है, लग तो रहा है थोड़ा ठीक ही है, लेकिन ठीक नहीं है शायद,
पता है यहाँ थोड़ा गड़बड़ है ना, वन बाई फोकल लेंथ होता ना, वन बाई फोकल लेंथ होता, यहाँ सिंपली फोकल लेंथ लिख दिया, वन बाई फोकल लेंथ होता तो सही होता, तो आई थिंक ये वाला पार्ट तो सही है, बट ये रॉन्ग हो गया, फॉर्मला ही रॉन्ग है। यानी राइट क्या होना चाहिए, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ वॉट फॉल्स, यानी 28 का ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, यानी ऑप्शन बी राइट हो रहा है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी राइट होता। ठीक है, असर्शन बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन रीज़न यहाँ पे वन बाई फोकल लेंथ इसको लिखना चाहिए था। हो गया, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में क्या हो रहा है देख लो पढ़ के, क्वेश्चन थोड़ा मैं समझा देता हूँ। पर हमारा रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है रेयर से बनाओ डेंसर मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा था, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे बनाओ परपेंडिकुलर है, ब्रेवस्टर्स लॉ याद आ गया होगा पढ़ के, तो ऐसे कैसे बताओ, क्रिटिकल एंगल पूछा जा रहा है। तो चलो ठीक से मैं बना के ही दिखा देता हूँ। मान लेना है फर्स्ट मीडियम हो गया और ये मान लो हमारा सेकेंड मीडियम हो गया। क्वेश्चन की अकॉर्डिंग बताओ रे इंटर कर रहा है रेयर से डेंसर, तो मान लेना म्यू वन हमारा कम है म्यू टू हमारा ज़्यादा है, रे ऑफ लाइट इंटर कर रहा है, इंटर कराते हैं रे ऑफ लाइट को, ऐसे आया, ऐसे मान लो रिफ्लेक्ट होके चला गया और कुछ क्या हुआ, रिफ्रैक्ट भी हुआ है। तो अगर नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ठीक है, और ऐसे कि इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में एंगल कितना बन रहा है बताओ, 90 बन रहा है। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। मैं लिख देता हूँ ये एंगल आई है, तो बताओ ये भी क्या होगा, आई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ब्रेवस्टर्स लॉ ही है, जल्दी बना लेते हैं, बट फिर भी चलो ऐसा कुछ लिखा नहीं इसलिए मैं डायरेक्टली पूरा प्रोसेस ही बनाता हूँ। स्नेल्स लॉ लगाना, स्नेल्स लॉ लगाओगे ना क्या लिखोगे, चलो लगाते हैं यहाँ पे पेयर ऑफ मीडिया के लिए। तो म्यू वन इंटू साइन आई दिस इज इक्वल टू वॉट, म्यू टू इंटू क्या लिख सकते हैं, साइन आर लिख सकते हैं। फर्दर और अच्छे से लिखा जाए तो म्यू वन इंटू साइन आई दिस इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन, यहाँ पे काम किया जा सकता है, अगर ये 90 है तो पूरे का सम 180 था, तो I प्लस आर हमारा 90, यानी बताओ R को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस आई तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिकॉज I प्लस आर इज़ 90। तो ऐसे कैसे बताओ, ये हमारा cos I बन गया और sin बाई cos क्या होता है, tan I होता है, तो tan I का वैल्यू हमारा मिल गया म्यू टू बाई म्यू वन मिल गया, ऐसा कुछ मिला मुझे, ये हमारा ब्रेवस्टर्स लॉ होता था। ठीक है, और ये लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा गया क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट याद होगा, रे हमारा डेंसर से रेयरर में जाता है, डेंसर से कहाँ जाएगा, रेयरर में जाएगा, और भाई मैं एक छोटा सा एक डायग्राम बना ही देता हूँ, ऐसे हमारा जाएगा रे ऑफ लाइट, और फाइनली जब बाहर निकलेगा तो ऐसा कुछ केस होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 होना चाहिए। तो ये क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो फिर से हमारा स्नेल्स लॉ वैलिड होगा, और लगा दो स्नेल्स लॉ फिर से इस बार सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ, म्यू टू इंटू साइन आई सी क्रिटिकल एंगल म्यू वन इंटू साइन 90, ऐसे किस में देख पा रहे हो, लिखा जा सकता है साइन आई सी दिस इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू, और म्यू वन बाई म्यू टू का वैल्यू ऊपर से निकाल सकते हो, ये लिखोगे 1/tan I, तो 1/tan I जैसा कुछ मिला हमारा, ठीक से देखा जाए तो यहाँ से आई सी मिल जाता, लेकिन टैन के फॉर्म में तो होगा नहीं, समझ पा रहे, उसको लिख दो कॉट आई, लिख देना कॉट आई, तो फाइनली हमारा मिल गया आंसर, आई सी चाहिए था तो आई सी मिल गया, बताओ कितना, आई सी मिला हमारा साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं कॉट आई, तो ये राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, साइन इनवर्स कॉट आई, यानी बताओ साइन इनवर्स कॉट आई, यानी ऑप्शन सी राइट होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी, और फास्ट बना सकते थे, फॉर्मूला डायरेक्टली याद था तो मेरा जल्दी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में ये फेमस केस है, तो YDAC में एक केस हम लोग पढ़ते हैं कि स्लिट्स के सामने अगर कोई हम लोग छोटा सा क्या एक ट्रांसपेरेंट सा सीट लेके आ जाए, ट्रांसपेरेंट सा है ना कोई सीट लेके आ जाएंगे, तो क्या होता है फ्रिंग हमारा शिफ्ट होने लगता है, फ्रिंग क्या होता है शिफ्ट होने लगता है पोजिशन से, वही हमारा क्वेश्चन है। YDAC था, कोई थिन सीट हम लोग लेके आ रहे हैं, थिन ट्रांसपेरेंट सीट लेके आ रहे हैं जिसका थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टेडनेस म्यू है, इज इंसर्टेड किसी एक स्लिट के सामने रख दिए, तो द इंटायर फ्रिंग पैटर्न विल बी शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाएगा पूरा पैटर्न, तो बड़ा ही आसान है, वो थिन सीट आने की वजह से होता क्या, चेंज इन ऑप्टिकल पाथ होते हैं, चेंज इन ऑप्टिकल पाथ होते हैं, और कितना चेंज होता है ऑप्टिकल पाथ में ये सबको पता होगा, तो मैं लिख देता हूँ क्या होगा, म्यू माइनस वन इंटू थिकनेस, इतना ऑप्टिकल पाथ में चेंज होता है। रहा बात डेल पार्ट डिफरेंस है ना, पार्ट डिफरेंस का बात किया था, तो पार्ट डिफरेंस हमने वहाँ सीखा था YDAC में, बताओ क्या लिख सकते हैं, YD बाई कैपिटल D लिख सकते हैं, तो चलो पार्ट डिफरेंस का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेना, ये हमारा लिखा जा सकता है बताओ क्या, YD बाई क्या कैपिटल D लिख सकते हैं, तो Y यहाँ से मिल गया कितना बताओ, म्यू माइनस वन इंटू टी डी और बाई क्या बताओ स्मॉल D, ये मिला, तो क्लियर सा बात है, ये हमारा वाई वही बता रहा है जो हमारा सेंटर पे बनना चाहिए था, तो सेंटर पे पार्ट डिफरेंस जीरो होता था, तो सेंटर वाला मतलब शिफ्ट होके कहीं और हमारा चला जाएगा, तो शिफ्टिंग हमारा कुछ ऐसे ही होगा, ये पूरा फ्रिंग पैटर्न जो शिफ्ट होगा हमारा इतने डिस्टेंस से ही शिफ्ट होगा, हर एक फ्रिंग हमारा ये वाला डिस्टेंस से शिफ्ट होने वाला है, तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं,
म्यू माइनस वन टी डी अपॉन डी। हाँ तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, मुझे लिखा ऑप्शन सी ऐसा था। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा। तो अगर यहाँ तक क्लियर तो फिर आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। 31, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख रहा है मुझे, तो 31 हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और चेक किया जाए क्या दिया है। तो 31 में क्या दिया, लाइट हमारा जिसका वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा, इंसिडेंट हो रहा है किसी मेटल पे जिसका वर्क फंक्शन फाइव दिया है, एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का होगा क्या। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक रिलेशन एनर्जी कंजर्वेशन वाला। हम लोग जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस क्या होता है बताओ, के मैक्स होता है, के मैक्स होता है। ऐसे केस में देखो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखना चाहिए, लैम्डा ही दिया था लाइट का, तो लिख दो इसको एस सी बाई लैम्डा लिख लो। वर्क फंक्शन हमारे साथ फाइव ही दे रखा है, प्लस के मैक्स यानी हाफ एम वी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं एम वी मैक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे कोई तो चलो ठीक ही है। हमसे पूछा क्या गया, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा गया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ से निकालना इजी तो है, कुछ करना आप थोड़ी है, वो तो गया क्वेश्चन। बताओ क्या लिख सकते हैं, एस सी बाई लैम्डा माइनस फाइव हो गया हमारा, और बेटर होगा ये क्वांटिटी को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो लिख सकते हैं बताओ क्या, टू बाई एम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वी मैक्स, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा, तो इस पर रूट चढ़ेगा हमारा, तो इस पर रूट ऐसे चढ़ा लेना, तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का। देखते हैं ऐसा ऑप्शन दिया है नहीं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का नीड है, स्लाइड मॉडिफिकेशन का, तो एक काम करो मल्टीप्लाई करो थोड़ा सा, पता है इसको ऐसा लिख लो रूट ओवर, यहाँ ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो मिलेगा क्या टू, ऊपर मिलेगा देखो क्या टेन, वैसे ही टू बाई एम, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या एस सी माइनस फाइव लैम्डा बाई क्या लिख लेते हैं लैम्डा लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू वी मैक्स। तो ये हमारा होना चाहिए था क्वेश्चन का आंसर, सेम ही था, मतलब कुछ खास मैंने चेंज थोड़ी किया, सब कुछ तो वही है। तो ऐसा देखते हैं कोई ऑप्शन मैच अप कर रहे हैं या नहीं। तो एस सी माइनस फाइव लैम्डा टू अपॉन एम लैम्डा, और पावर क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। हाँ एक ऑप्शन ज़रूर है ऐसा, ऑप्शन बी है, तुम नज़र डालो ऑप्शन बी पे, ऑप्शन बी हमारा होना चाहिए इस क्वेश्चन का, है ना, ऑप्शन बी राइट होना चाहिए। तो ये हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। 32, इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम के सेल टू एम सेल, तो रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछ दिया, तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछ दिया, ओमेगा का पूछ दिया, ऐसे बहुत सारा मेथड है, बट सिंपली मैं बता देता हूँ, ओमेगा इक्वल टू ए तो जानते हो ना, वी वाई आर होते हैं, वी इक्वल टू ओमेगा आर, है ना, ओके। अब देखो वी हम लोग जानते हैं, पर वी हमारा पूरा लिखो क्या, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, और क्या होता था, जेड बाई एन होता था, मीटर पर सेकेंड होता था, ऐसा जेड बाई एन होता था। तो मैं समझा रहा ये चाह रहा हूँ, सब कुछ तो कॉन्स्टेंट ही है, बट एन एन के साथ बताओ वी का कैसा रिलेशन है, ये ऐसा इन्वर्स वाला रिलेशन था। फिर बात करते हैं रेडियस का, रेडियस बताओ क्या होता है भैया, और आज ये रेडियस होता है हमारा कैसा, तो 0.53 और एन स्क्वायर बाई जेड होता था, ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग में मिलता था ना। तो यहाँ से देख रहे हैं बताओ, सब कुछ हमारा कॉन्स्टेंट है, अगर आर का बात किया जाए तो डिपेंड कर रहा है हमारा एन स्क्वायर के साथ ऐसा रिलेशन है। अगर बात किया जाए ओमेगा का ना, तो ओमेगा वी वाई आर अगर करोगे ना, तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बताओ वी वाई आर करने से क्या मिलेगा, डिवाइड करोगे ना वी वाई आर, यहीं पे देख लो ना, मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ से लिखा जा सकता है वी वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, 1/n³ लिख सकते हैं, ऐसा लिख तो सकते हैं, ये सब डायरेक्ट भी याद रखना। तो बताओ ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है, बताओ 1/n³ आ रहा है, और अगर ऐसा है तो क्वांटम नंबर के साथ कुछ ऐसा रिलेशन हमारा ओमेगा का, तो कहीं ना कहीं किसका पूछा जा रहा है बताओ, के सेल का और एम सेल का, तो ओमेगा चलो के ही लिख देते हैं और ओमेगा एल लिख देते हैं, के और एम का, दिस इज इक्वल टू लिखना चाहिए बताओ के सेल, तो बताओ ये इन्वर्स रिलेशन है, मैं एक बार और लिख देता हूँ, एन के और एन एल, पावर कितना हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो के, के का मतलब कौन सा सेल हो गया, के एल एम, के हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, और के एल एम, सॉरी ये एम था, मैं एक छोटा सा मिस्टेक कर रहा था, मैं उसको करेक्शन करना चाहता हूँ, क्वेश्चन में ये एम दिया था, क्वेश्चन में ये एम दिया था, तो 1 और के एल एम यानी बताओ 3, इसका बताओ क्या क्यूब, यानी बताओ कितना आ गया, 27 आ गया, तो 27:1 राइट आंसर होना चाहिए, होपफुली राइट होना चाहिए। 32 का डी ऑप्शन राइट होगा, 32 का डी होता, तो देख लेना 32 का डी होना चाहिए था, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं 33 क्या है, 33 तो ऐसे ही देख के ट्रिक करने वाला क्वेश्चन है 33, तो 33 का बात किया जाए, तो फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज सेम एज द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, चलो ठीक है, और ये जो फोर्स है इसका नेचर होता क्या है, सब लोग जानते हो जो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स है, हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, यही सारे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को होल्ड करके रखता है, तो बताओ हमारा ऑप्शन बी राइट होता, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना, तो ऑप्शन बी राइट होता, वो फुली क्लियर होगा, इसको देख लेना। 34 सब ऑप्शनल जैसा हमारा, तो मतलब देखना है बस, टिक करना है, न्यूमेरिकल तो है नहीं, बस देखना है तुमको, टिक करना है। नेक्स्ट देखा था 34 में क्या दिया है बताओ, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है और मेजोरिटी चार्ज कैरियर हमारा
जो इलेक्ट्रॉन्स होता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही लिखा इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर बट इट डजेंट शो एनी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एन टाइप मैंने बोला था क्लास में ही बहुत बार कि एन टाइप का मतलब ये मत सोचना कि वो नेगेटिवली चार्ज होगा, पी टाइप का मतलब क्या वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज जब डोपिंग हम लोग करते हैं ना, तो जो एटम मिलाते हैं वो तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही था, उसमें जितना उसके न्यूक्लियस में प्रोटोन था उतना ही उसके सेल में क्या इलेक्ट्रॉन्स था, तो आने के बाद भी बताओ वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। तो कोई भी आइटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसीलिए ऐसा होता है। एन टाइप और पी टाइप भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। तो रीज़न हमारा क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी ये सब लिख रखा है, तो ये सब तो होगा नहीं, एटम्स इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो 34 का ऑप्शन डी राइट होना चाहिए, ऑप्शन डी राइट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो एन टाइप का बात हो रहा है, थोड़ा सा मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ, सिलिकन सिलिकन सिलिकन। तो देखो शुरू में तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ही, और किसी एन टाइप को लेके भी आ जाओगे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, मतलब फर्क पड़ेगा लेकिन मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। जैसे फॉस्फोरस लेके भी आ जाते हो है ना, एक पेंटावेलेंट लेके आ जाते, तो एक इलेक्ट्रॉन देखो चार इलेक्ट्रॉन तो कंबाइन कर लेगा बॉन्ड बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा रह जाता है, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि कोई निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बिकॉज फॉस्फोरस जब आया तो इसके न्यूक्लियस में जितना प्रोटोन्स था ना उसके सेल में उतना इलेक्ट्रॉन्स था, सो फॉस्फोरस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। तो आने के बाद भी क्या ये पूरा एज अ होल क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। तो एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो डोपिंग के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। चलो ठीक है, ये मैंने और बता दिया। नेक्स्ट देखो 35 लॉजिक गेट फेमस है ना, बड़ा मतलब क्वेश्चन हमेशा आता है लॉजिक गेट को अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए, और ये एक ईजी क्वेश्चन है, देख लो कुछ नहीं है। ये और गेट और एक है एंड गेट, तो देखा जाए तो इनपुट दिया था बताओ ए बी, और ये क्या दिया सी दिया है, और ये आउटपुट हमारा वाई। तो ये एंड गेट हम लोग जानते हैं कि जो भी इनपुट होगा है ना, देखो पूरा लिख भी सकते हो बोले, लेकिन उतना लिखने का नीड नहीं आई थिंक, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एंड गेट में बताओ क्या होता है, दोनों इनपुट का क्या होता है प्रोडक्ट होता है, दोनों इनपुट का प्रोडक्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट हमारा 1 मिले, अगर हम चाहते हैं आउटपुट हमारा क्या मिले, मैं फिर से लिखता हूँ, अगर हम चाहते हैं आउटपुट हमारा 1 मिले, तो बताओ दोनों इनपुट 1 होना चाहिए, मतलब सी भी 1 होना चाहिए और यहाँ भी जो इनपुट आएगा वो 1 ही आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, मैं ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल। तो 1 होने के लिए बताओ ये और गेट है, ये तो कुछ भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये 0-1 भी हो सकता है, 1-0 भी, या फिर दोनों 1 हो सकते हैं, 0-0 बस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो एटलीस्ट सी हमारा 1 होना चाहिए, बिना सी 1 हुए काम तो होगा नहीं, तो सी 1 होना चाहिए, तो सी 1 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर एक ही ऐसा हमारा ऑप्शन सी राइट होगा, इसका ऑप्शन सी राइट होगा। मैं क्रॉस वेरीफाई करा देता हूँ अगर किसी को डाउट रह गया तो। देखो सी में क्या दिया बताओ, ये 1 दिया था, ये कितना दिया बताओ, ये हमारा 0 दिया था। तो ऐसे किस में जानते हो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलता है हमारा, ये हमारा कौन सा गेट है, और गेट है, तो और गेट में क्या होता है ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी करने का था बताओ यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला, और यहाँ से भी अगर 1 ही आ रहा है तो बताओ यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा, हम लोग जानते हैं ये हमारा कौन सा गेट है, ये हमारा एंड गेट है। तो एंड गेट में जो आउटपुट होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ स्पेस नहीं था, ये हमारा होता क्या बताओ ए इंटू बी होता है, तो बताओ ये 1 ये 1, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा है ना, ये 1 हो गया। तो ठीक है, मैंने क्रॉस वेरीफाई करा दिया, चाहते तो अच्छे से तुम वो लिख सकते थे पूरा इसका डाटा, बट नीड नहीं था। तो ऑप्शन सी राइट हो रहा है इस क्वेश्चन का, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। 36 गिवन वी स्पीड आर रेडियस जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पूछा जा रहा है, कौन सा हमारा डायमेंशन लेस है इसमें से। चाहो तो 1 by 1 डायमेंशन ही चेक कर लो, बट थोड़ा स्मार्ट भी बन सकते हो है ना, थोड़ा स्मार्ट भी बन सकते हो। स्मार्ट बनने का वाला v² / r देखे जाना पहचाना लगता है, याद है सेंटीपेटल एक्सेलरेशन होता क्या बताओ, v² / r ही तो होता है, ये सेंटीपेटल एक्सेलरेशन होता है। पहला वाला ऑप्शन मैं देखता हूँ, पहला वाला ऑप्शन पता है क्या दिया, ऑप्शन ए में दिया था v² / rg, ऐसा लिखा है v² / rg। तो इसको अगर थोड़ा सेपरेट करके देखोगे ना, ये v² / r, ये बताओ क्या होता है, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन होता है, तो मैं ac लिख देता हूँ और नीचे क्या बताओ g, और ये एक्सेलरेशन ये कैसा हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, m₀ l₀ t₀ कर लेना है ना। तो पहला वाला ही सेटिस्फाई हो गया, चाहो तो इंडिविजुअली तुम निकाल के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ऑप्शन ए इसका राइट होगा, है ना, ऑप्शन ए राइट होगा। चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो 1 by 1, मैं थोड़ा लिख ही देता हूँ सबके लिए। जैसे क्रॉस चेक करने का था, मैं ये बोल रहा था अगर डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं v² / rg लिखते हैं, और अगर इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। वेलोसिटी के लिए क्या होता है, एल टी इनवर्स होता है, तो क्या लिखते हैं बताओ, l²t - 2। नीचे आते हैं बताओ, इसके लिए l लिख देते हैं, और एक्सेलरेशन के लिए m/s², यानी l t²-2। सब कैंसिल हो गया, बताओ क्या मिल रहा है, बताओ ये मिल गया l₀ t₀, यानी डायमेंशन लेस हो गया। पहला वाला ही मिल गया, तो बाकी मैं अब चेक नहीं करने जा रहा हूँ, बाकी होगा भी नहीं पॉसिबल, तो ऑप्शन ही राइट होता। आगे देखते हैं नेक्स्ट 37 बोट वाला क्वेश्चन है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। बोट टेक्स 2 hours टू गो 8 km एंड कम बैक इन स्टिल वाटर। ओके, इससे बोट का तो मैं स्पीड निकाल सकते हूँ। 37 तो वेलोसिटी ऑफ बोट है ना, बोट का स्पीड मान लेना, ये बोट का है, मैं लिख ही देता हूँ, स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट
स्पीड ऑफ वोट भी मान रहे हैं हम लोग, और ऐसे केस में अगर स्पीड ऑफ वोट यहाँ पे हम निकाल रहे हैं ये, तो लिख रखा है क्या, 2 घंटा लग रहा है इसको 8 किलोमीटर जाने में और वापस आने में, टू गो 8 किलोमीटर एंड कम बैक। तो टोटल स्पीड अगर देख डिस्टेंस सॉरी स्पीड बोला जाए तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 8 किलोमीटर गया फिर वापस भी तो आया, यानी 16 किलोमीटर कवर किया, और ऐसा कवर करने में इसको टाइम लगा 2 आवर्स, यानी बताओ हमारा स्पीड कितना हो जाएगा, ये हमारा मिल गया 8 किलोमीटर पर आवर मिला, 8 किलोमीटर पर आवर मिला, ये हमारा स्पीड हो गया। और अगर ये स्पीड हो गया, पूछा जा रहा है टाइम टेकन फॉर गोइंग 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड कमिंग बैक विथ वाटर वेलोसिटी 4, यानी इस बार हमारा वाटर मूव कर रहा है, तो इस बार टाइम क्या लगेगा वो पूछा गया, तो टोटल टाइम क्या लगेगा, तो ये होता है टाइम ड्यूरिंग अप स्ट्रीम जर्नी एंड टाइम ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम जर्नी। अब बताओ अप स्ट्रीम में क्या लिखते हैं, याद है, तो डिस्टेंस जो भी कवर कर रहा है, डिस्टेंस आई थिंक 8 किलोमीटर कवर कर रहा है, और नीचे लिख सकते हो बताओ क्या, अप स्ट्रीम यानी अगेंस्ट द फ्लो बी माइनस यू, जहाँ पे यू हो गया हमारा क्या है, स्पीड ऑफ रिवर हो गया, जो कि दे रखा है क्वेश्चन है 4, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सेम डिस्टेंस वापस आना है इसको 8 किलोमीटर बाई क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगा बी है ना, विद द फ्लो जा रहा है, फाइनली हो गया हमारा कल कुछ खास अब ज़्यादा नहीं करना है, 8 किलोमीटर हो गया। चलो मैं यूनिट नहीं लिखता हूँ, यूनिट लास्ट में लिख लेंगे, 8 हो गया, बताओ वी माइनस यू, बताओ वी माइनस यू मतलब कितना, 8 माइनस क्या 4 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 और वी प्लस यू यानी 8 प्लस 4, यानी मिला कितना बताओ, ये वाला हमारा मिल रहा है 2 मिल रहा है, और ये देखा जाए तो 8/12 यानी 2/3 मिल रहा है, सही है ना, 2/3 मिल रहा है, तो ऐसे इसमें सॉल्व करें 3 2 6 2 8/3 मिला, तो 8/3 आवर्स लग रहा है, 8/3 आवर्स, लेकिन आंसर शायद मिनट में दे रखा है ना, तो मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पे लिख देना 8/3 × 60 लिख सकते हैं, अभी मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ ये कितने बार में कैंसिल हुआ, 20, तो मिल गया हमारा 160 मिनट्स मिला, 160 मिनट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, तो 160 मिनट्स एक है ऑप्शन, ऑप्शन सी राइट होता है इस क्वेश्चन का। अगेन एक काफ़ी ईजी क्वेश्चन था अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला है ना, ईजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसमें ऐसे ईजी ही होता ही है। 38 चेक किया जाए, 38 में क्या दिया है, 38 में पता है 3 फोर्स काम कर रहे हैं किसी पार्टिकल पे, सच दैट F2 एंड F3 आर व्हाट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मैं इसे ड्रॉ कर ही लेता हूँ, ये मान लो F2 है और ये मान लो F3 है, ये दोनों परपेंडिकुलर था क्वेश्चन में दिया था, और देन द पार्टिकल रिमेंस स्टेशनरी, तो पार्टिकल स्टेशनरी में तो बताओ ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ऐसे होगा, इसके अगेंस्ट में ज़रूर हमारा F1 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, तो ये पार्टिकल ये तीनों फोर्स के अगेंस्ट रेस्ट में है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा लैमेज थ्योरम, बट उसके बिना भी काम चल ही जाएगा, जैसे देखते हैं आप यहाँ, ये हमने लिख लिया, फिर देखो ध्यान देते हैं, चलो फिर ध्यान देते हैं, पर ऐसे कैसे तुम चाहो तो लिख सकते हो, तीनों का रिजल्टेंट हमारा 0 है, यानी F1 + F2 + F3 तीनों फोर्स का सम हमारा क्या है बताओ, 0 है, वेक्टर सम 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बताओ अगर F1 को रिमूव कर देंगे तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या होगा, बिल्कुल होगा फोर्स फिर अनबैलेंस हो जाएगा, यही दोनों फोर्स रहेगा, तो ये दोनों फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन हम लोग समझ पा रहे हैं, एक्सेलरेशन होता क्या है, नेट फोर्स बाय क्या मास, ऐसा तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, ये रिमूव करोगे तो यही हमारा F1/m मतलब होगा राइट आंसर होगा, बट फिर भी चलो अच्छे से समझाते हैं थोड़ा, देखा जाए वैसे कैसा बताओ नेट फोर्स हमारा होगा क्या, तो F2 और F3 बचा, तो दोनों का वेक्टर सम कर लेना और मास से डिवाइड कर लेना, ये हमारा बॉडी का नेट एक्सेलरेशन होना चाहिए था, एक्सेलरेशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग यही समझ पा रहे हैं, बताओ F1 को क्या लिखा जा सकता है, F1 = −F2 + F3, ठीक है, तो इसका मतलब होना भी चाहिए ऐसा, ये दोनों को ये कैंसिल करेगा, तो ऐसे कैसा बताओ ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करोगे ना, मैग्नीट्यूड के टर्म में बात किया जाए तो एक्सेलरेशन बताओ और क्या लिखा जा सकता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, F1 के, यानी F1/m भी लिखा जा सकता है, तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऐसे इतना नहीं करना है, थोड़ा सोचोगे लॉजिकली तो डायरेक्ट देख के ही समझ आ रहा है, इसको रिमूव करेंगे तो यही हमारा अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, इसको बस मास से डिवाइड करो राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए, इतना सॉल्व करने का नीड नहीं होता है सब क्वेश्चन, मैं समझा रहा हूँ सुरेट मन में कोई डाउट ना रहे, बट ये सॉल्व करने का नीड नहीं है, शुरू में बैलेंस था, जैसे ही इसको हटाओगे तो यही हमारा अनबैलेंस फोर्स होगा, और उसको मास से डिवाइड करो यही हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे, 39 क्वेश्चन नंबर 39 अगर देखा जाए ना, तो इसमें दिया क्या है, 2 kg का मास है टेबल पे रखा गया था और डिस्प्लेस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रू 50 cm, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, 0 होगा, सोचना क्या है इसमें, समझाना पड़ेगा क्या, बताओ ये ब्लॉक है, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, मान लो mg नीचे काम कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है,
फ्रिक्शन हमारा मान लो फ्रिक्शन भी दिखा रहे थे ऐसा लग रहा, और ये हमारा मान लो अप्लाइड फोर्स है, ये डिस्प्लेस हो गया मान लो इधर चला गया थोड़ा यहाँ चला गया, मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ ये इसका इनिशियल पोजिशन और ये इसका फाइनल पोजिशन, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब तो मुझे खुद ही बता दो ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने दिखाया अभी, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने दिखाया अभी, ये डिस्प्लेसमेंट बताओ नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है। तो ऐसे कैसा बताओ, वर्क डन अगर लिखोगे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो क्या होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज कॉस 90, तो राइट आंसर क्या होता है, जीरो हो जाता है। समझ पा रहे हो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90। नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल रिएक्शन का कोई काम नहीं करेगा। 39 का ए होता, 39 का ए होता, ये मैंने वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन लिखा। ठीक है चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला, सब देखें टिक करने वाला क्वेश्चन था। 40 बड़ा फेमस है ये सेंटर ऑफ मास वाला क्वेश्चन। तो चलो एक पर्सन हमारा किसी प्लैंक पे खड़ा था, ये मान लो पहले मैं सरफेस जैसा कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लो एक आदमी यहाँ पे खड़ा था। क्वेश्चन में क्या दिया, पर्सन ऑफ मास एम स्टैंडिंग ऑन द एंड ऑफ ए प्लैंक ऑफ मास एम एंड लेंथ एल। तो इस प्लैंक का मास मान लो कितना दिया, एम दिया, और इस मैन का मास दिया स्मॉल एम दिया, और इस प्लैंक का लेंथ भी गिवन है, इस प्लैंक का लेंथ दिया है बताओ क्या, एल दिया था, ये सब दिया था। इसके अंदर पर्सन मूव किया बताओ, एक एंड से दूसरे एंड पे चला गया, फाइनली रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट प्लैंक का क्या होगा। सब लोग जानते हो अगर ऐसे केस में ये हमारा पानी में फ्लोट कर रहा है, तो पानी में फ्लोट कर रहा है तो पानी में कोई फ्रिक्शन वगैरह होगा नहीं, इसको सिस्टम मान लिया जाए तो हमारे सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हमारे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या बताओ, जीरो। तो ऐसे केस में सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपना पोजिशन नहीं बदलेगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहाँ पहले था वहीं रहने वाला है ना, वहीं रहने वाला है। तो यहाँ अगर हम लोग चेक करें तो मान लो मैन जैसे जैसे आगे जाएगा ये प्लैंक थोड़ा शिफ्ट होकर पीछे आता है, तुम लोग क्लास में इतना तो पढ़े होगे, अब उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ये शिफ्ट होकर थोड़ा पीछे जाता है। तो यहाँ देखो ये आदमी यहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, और ऐसे केस में कितना हमारा शिफ्टिंग हुआ, नहीं बदला, मान लेना थोड़े टाइम के लिए शिफ्टिंग हमारा हुआ कितना, एक्स हुआ। तो ऐसे केस में एक बार हम लोग जानते हैं कि नो मैटर ये सिस्टम कहीं भी जाए, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लो पहले यहाँ पे था, ये मान लो सिस्टम का मैंने सेंटर ऑफ मास दिखाया है पोजिशन, तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास का पोजिशन यही बना रहेगा, ये बदलेगा नहीं, देख लो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। मैन नहीं मूव करेगा तो मतलब प्लैंक नहीं मूव करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का पोजिशन बदल जाएगा, ऐसा कुछ केस होता था। अब ऐसे केस में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट चलो यहाँ मैंने अपने टेक्निक से क्लासरूम बताया था जिससे काफ़ी इजिली विद इन अ लाइन आंसर हो जाएगा, बट चलो यहाँ थोड़ा ठीक से लिख के दिखा देते हैं। सेंटर ऑफ मास अपना पोजिशन इस केस में नहीं बदलता है, बट और सेंटर ऑफ मास क्या लिखा जाता है, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है सेंटर ऑफ मास का जो भी पोजिशन होगा ऐसे ही वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब देखो सेंटर ऑफ मास का पोजिशन हमारा नहीं चेंज होगा, तो चेंज के फॉर्म में अगर लिखोगे डेल एक्स सी एम, तो ऐसे केस में हम लोग लिख सकते हैं एम वन डेल एक्स वन प्लस एम टू डेल एक्स टू बाई लिख सकते हैं क्या हम लोग एम वन प्लस एम टू। तो अगर हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं बदल रहा है, ये चेंज हमारा जीरो हो गया, अगर ये चेंज हमारा जीरो हो गया, समझ पा रहे हो चेंज जीरो हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया और डायरेक्टली लिखा जा सकता है क्या एम वन डेल एक्स वन एम टू डेल एक्स टू दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका देख लेना दो बॉडी है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ ऐसे केस में करके आ सकते हैं दो बॉडी के लिए एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू इज इक्वल टू एम टू एक्स टू, ऐसे जल्दी हो जाता है, बट चलो मैं इतना लिख के दिखा रहा हूँ। फिर देखो पहला बॉडी हमारा मैन है, मैन का मास मान लो एम है, मैन का डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में कितना हुआ, इसको लग रहा है मैन ने पूरा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर किया एल, रियलिटी हम लोग जानते हैं मैन का डिस्प्लेसमेंट रियलिटी में कितना हुआ है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैन का देखा जाए इनिशियल और फाइनल पोजिशन वाला, तो ये डिस्प्लेसमेंट है समझ पा रहे हो एल माइनस एक्स हुआ है ना, तो फाइनली मैन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा एल माइनस एक्स प्लस। प्लैंक का बात किया जाए तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट देखो, मैन अगर राइट में गया तो प्लैंक जा रहा है लेफ्ट में, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स यहाँ लिख देना, सम क्या होगा जीरो होगा। ऐसे केस में जैसे ही इसको सॉल्व किया जाएगा आंसर मिल जाएगा हमारा, हम लोगों को चाहिए था एक्स का वैल्यू चाहिए था, बेटर होगा दोनों एक्स को राइट साइड लेके चले जाते हैं, तो ये हमारा एम एल अपॉन एम प्लस एम इंटू एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ से एक्स हमारा मिल गया, बताओ मिला कितना एम एल अपॉन एम प्लस एम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होना क्या चाहिए, क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा एम एल अपॉन एम प्लस एम ऑप्शन ही राइट होता, ऑप्शन ही राइट होता। मैंने इतना समझाया बट रियलिटी बात है, पता है क्लास में पढ़े होना तो सेकेंड्स में क्वेश्चन करने वाला था, इतना अगर क्लास में पढ़े हो तो कुछ करना नहीं था। फिर जब भी दो बॉडी वाला सिस्टम होता है डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में बना सकते हैं विद इन अ सिंगल लाइन, लिखा जा सकता है एम वन एक्स वन दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट एम टू एक्स टू। अगर सिस्टम का सेंटर मास चेंज नहीं होता तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, फाइनली कुछ खास नहीं है। पहला बॉडी का मास एम था, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ था एल माइनस एक्स, मतलब उसने ये डिस्टेंस कवर किया, दूसरे बॉडी का मास एम था उसका एक्स था, तो यहाँ से एक्स निकालोगे सेम आ जाएगा। ठीक है तो जल्दी हो जाता है, सेकेंड्स में क्वेश्चन बनता है, इतना टाइम मत लेना एग्जाम में। चलो ठीक है क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ करो जल्दी होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे, 40 हमारा हो गया, 41 देखते क्या है।
41 क्वेश्चन हमारा स्केप वेलोसिटी का है ना, स्केप वेलोसिटी का। स्केप वेलोसिटी बताओ, अर्थ पे हमारा यू है, तो पूछा जा रहा है स्केप वेलोसिटी दूसरे प्लैनेट पे जिसका मास और रेडियस डबल होगा अर्थ से, वहां पे स्केप वेलोसिटी क्या होगा। फार्मूला याद है क्या स्केप वेलोसिटी का? स्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? रूट ओवर 2gm/r होता है, 2gm/r होता है। तो अर्थ पे बोल रहा है क्या, अर्थ पे मान लीजिए यू है, किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाएंगे तो वहां स्केप वेलोसिटी मान लो नहीं पता, डैश मान लेते हैं, वो प्लैनेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, उसका बताओ मास क्या है, डबल है, और उसका रेडियस भी क्या बताओ, डबल है। तो ऐसे केस में बताओ 2 2 2 कैंसिल ही हो जाएगा ना, और कैंसिल हो गया तो सेम ही तो आ गया ना, सेम आ गया तो बताओ फिर से वहाँ भी स्पीड क्या होगा, सेम ही होगा, यू ही होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 41 का बी होना चाहिए, बी राइट ऑप्शन होता है इसका, 41 का बी राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं था यहाँ पे। नेक्स्ट देखा जाए 42 में क्या है, तो 42 में यहाँ दे रखा है पता है क्या, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इन पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम में मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप मतलब समझ पा रहे हो, जैसे वाई वर्सेस एक्स होता है तो dy/dx हमारा क्या देता है, स्लोप देता है, तो वैसे ही बताओ हम लोग समझ पा रहे हैं पीवी मतलब dp/dv हमारा क्या देगा, स्लोप देगा, यानी हमसे ये स्लोप ही पूछा गया, ये होगा क्या, किस प्रोसेस के लिए बताओ, आइसोथर्मल, तो यहाँ लिख देते हैं आइसोथर्मल। अब बनाना आइसोथर्मल में क्या करेंगे, पीवी इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना कॉन्स्टेंट होता है, अब ये dp/dv निकालना है वो ईजी है, चलो मैं जानबूझ के एक टाइम के रेस्पेक्ट में इसको मान लो सबको चेंज हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो, मान लो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम दोनों वेरिएबल है, तो पी को छोड़ो वी को डिफ्रेंशिएट करो, वी को छोड़ो पी को डिफ्रेंशिएट करो, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो, डीटी हमारा जीरो हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं पी डी वी दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डी पी, चाहिए क्या था dp/dv, तो dp/dv यहाँ से हम लोग को मिल गया है, बताओ ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -p/v, तो -p/v इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, -p/v, तो -p/v यानी ऑप्शन बी राइट होता, ऑप्शन बी राइट होता, 42 का ऑप्शन बी राइट होता, होपफुली क्लियर होना चाहिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। तो फाइनली मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 आई थिंक थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, और ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, देखा जाए क्या दिया है, यहाँ पे दो नैरो बोर है हमारा, रेडियस कितना दिया है 3 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर, मतलब काफ़ी फाइन बोर्स है हमारा, और उनको एक साथ ज्वाइन कर दिए टू फॉर्म अ यू शेप ट्यूब, है ना, यू शेप ट्यूब बना रहे हैं जो कि दोनों एंड से खुला होगा। फाइनली देखो यू शेप ट्यूब में बताओ पानी है हमारा, तो पूछा जा रहा है दोनों कॉलम में जो डिफरेंस होगा लेवल में, दोनों कॉलम में जो पानी होगा उनके लेवल में क्या डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस ज़रूर होगा बिकॉज एक हमारा नैरो है, कुछ कुछ कैपिलरी एक्शन जैसा ही होगा, नैरो होगा तो उसमें कैपिलरी राइज थोड़ा ज़्यादा होगा, एक में फॉल होगा, और कैपिलरी राइज और फॉल भी हमारा एक्सेस प्रेशर पर डिपेंडेंट होता है, समझ पा रहे हो, तो वही एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन हमारा होना चाहिए, तो वो लेवल में मतलब दोनों कॉलम में क्या लेवल में डिफरेंस होगा वही कैलकुलेट करना है, सरफेस टेंशन वाटर का दे रखा है, डेंसिटी वगैरह दे रखा है, जी का वैल्यू दे रखा है, चलो ट्राई करके देखते हैं क्वेश्चन होगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, तो ये क्वेश्चन हमारा एक्सेस प्रेशर के कॉन्सेप्ट से बनना चाहिए, चेक करते हैं कैसे होना चाहिए। सबसे पहले मैं एक फिगर बना देता हूँ कन्वीनियंस के लिए, तो एज पर क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा फिगर बनना चाहिए, शायद समझ पा रहे हो ना, ऐसा फिगर बनना चाहिए। ओके फाइनली हमने किया क्या, दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन का हमने क्या लिया, ट्यूब लिया, और दोनों को ऐसे ज्वाइन करके यूट्यूब बना दिया, दोनों का क्रॉस सेक्शन अलग अलग मैं थोड़ा मेंशन कर लेता हूँ, इसका मान लेना रेडियस जो होगा हम लोग मान लेते हैं इसका रेडियस हमारा R1 होगा, और इस वाले का रेडियस मान लेते हैं R2 होगा। पानी बोल रहे हैं जैसे ही पानी डालेंगे ना, तो दोनों में वाटर का लेवल हमारा सेम नहीं होना चाहिए, फाइन बोर्स है ना, फाइन बोर्स है इसलिए सेम नहीं होगा, तो कैपिलरी एक्शन वगैरह होगा, और फाइनली समझ पा रहे हो ऐसा कुछ होना चाहिए एक्सेस प्रेशर की वजह से, फाइनली यहाँ पानी होना चाहिए। ओके फाइनली जो फ्री सरफेस हमारा जो मेरिस्कस है, मेरिस्कस का सेप हम लोग देख पा रहे हैं कुछ ऐसा होता है हमारा वाटर ग्लास के केस में, और यहाँ पे अगर मैं कुछ पॉइंट्स ले लूँ जैसे चेक करते हैं, दोनों कॉलम में लेवल में डिफरेंस हमने रखा है जानबूझकर, क्यों होता है खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा आगे, ये डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं एच। अब इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स लेते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ और एक पॉइंट जस्ट इसके नीचे लेता हूँ, इसका नाम देते हैं ए इसका बी, तो दोनों पॉइंट का प्रेशर बिल्कुल सेम नहीं होगा, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं पॉइंट ए का प्रेशर ज़्यादा होता है देन वॉट बी, है ना, तो यहाँ पे चाहे तो हम लोग लिखा जा सकते हैं, लिख सकते हैं PA-PB दिस इज इक्वल टू 2t/r, 2t/r लिख सकते हैं। अच्छा एक बात और है, r होता है रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है, तो यहाँ शायद यहाँ पे क्वेश्चन में देखा जाए तो एक बात लिखा है कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा क्या है, जीरो है, तो अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जीरो होता है ना तो जानते हो शायद अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा जीरो होता है, अगर थीटा हमारा जीरो होता है ना, तो रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ मेरिस्कस क्या होता है, सेम हो जाता है, बिकॉज ये बिल्कुल हेमिस्फीयर के जैसा बनेगा, है ना, अगर ये जानते हो तो काफ़ी अच्छा, नहीं तो मैं ये भी थोड़ा समझा ही देता हूँ, यहाँ पे चेक करो जैसे ध्यान देना थोड़ा, इसको बाद में ही लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये हमारा ट्यूब है और ये मान लो हमारा ये मेरिस्कस का सेप है,
तो अगर यहाँ पे मैं ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूँ, तो ये हमारा होता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, ये हमारा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, और इसको अगर ऐसे प्रोड्यूस कर लिया था, तो ये हमारा मेनिसस को हमने प्रोड्यूस किया था कि स्पेयर बनेगा, और ऐसे केस में इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सेंटर होगा, और ये मिला दिया था, तो ये होता है हमारा रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता था। इसके बाद बात किया जाए रेडियस ऑफ ट्यूब का, तो समझ पा रहे हैं हम लोग, ये हमारा रेडियस ऑफ ट्यूब होगा, ये हमारा रेडियस ऑफ ट्यूब होगा। अगर यहाँ से मैं ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूँ, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, ये हमारा थीटा, तो समझ पा रहे हो ये एंगल भी थीटा ही होगा, बिकॉज ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये वापस से थीटा हो जाएगा। ऐसे केस में एक रिलेशन होता था, सबको याद होना चाहिए, कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में कॉस थीटा बेस बाय क्या, हाइपोटेनियस। नाउ अगर थीटा हमारा जीरो होगा, तो क्लियरली हमारा कॉस जीरो वन हो गया, और ऐसे केस में रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ट्यूब होता है। तो ये बात पहले से ही पता होना चाहिए था, स्टिल मैंने समझा दिया यहाँ पे, मुझे समझाना ज़्यादा ज़रूरी लगा इसलिए मैंने बोल दिया। अब चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सिस प्रेशर के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन होगा, ये डिफरेंस निकालना हमारा हाइट में क्या होगा, क्वेश्चन ठीक ठाक है थोड़ा, देखते हैं। मैंने पॉइंट ए और बी लिया था, तो ए और बी के बीच में हमारा प्रेशर डिफरेंस ज़रूर होगा, और ये होगा कितना, 2t बाई रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है, बट यहाँ पे रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ट्यूब, यहाँ पे r2 लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो ये मान लेना हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऐसे, आगे देखते हैं। सिमिलरली यहाँ भी दो पॉइंट ले लेना, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं क्या c, और यहाँ जस्ट इसके नीचे ले रहे हैं क्या d, दोनों पॉइंट का प्रेशर फिर से डिफरेंस डिफर होगा, लिख सकते हैं पी सी माइनस पी डी दिस इज इक्वल टू 2t, और इसका रेडियस मैंने माना है r1। ओके, ये हमारा सेकेंड हो गया। इसके बाद और एक काम करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा हाइट डिफरेंस निकालने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ ई, तो क्लियरली हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दोनों का देखो लेवल वगैरह सब कुछ सेम है, लिक्विड भी सेम है, तो ऐसे कि इसमें दोनों पॉइंट का प्रेशर हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों पॉइंट का प्रेशर हमारा सेम होना चाहिए। तो इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा आगे जाता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो बाई कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हम लोग लिख सकते हैं दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, यानी पॉइंट बी और ई का प्रेशर सेम होना चाहिए, पॉइंट ई का प्रेशर और पॉइंट बी का प्रेशर हमारा सेम होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो थोड़ा ठीक से लिखा जाए दोनों पॉइंट का प्रेशर। जैसे देखो पॉइंट ई का प्रेशर हम लोग वो वेरिएशन ऑफ प्रेशर में डेप्थ वाला फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं, पॉइंट ई का प्रेशर पी डी प्लस हमारा रो जी एच होना चाहिए, रो जी एच होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू पी बी, समझ पा रहे हो, पी डी और हाइट की वजह से प्रेशर और बढ़ेगा, तो पी डी प्लस रो जी एच हो गया हमारा पॉइंट ई का प्रेशर। इसके बाद फर्दर डी का प्रेशर यहाँ से पुट कर लेते हैं, यहाँ से देखो डी का प्रेशर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पी सी माइनस टू टी अपॉन आर वन लिखा जा सकता है, प्लस रो जी एच यहाँ पहले से वो लिख लेना, दिस इज इक्वल टू पी वी, पी वी का प्रेशर यहाँ से देख लो, यहाँ से लिख सकते हैं बताओ क्या, पी ए माइनस लिखा जा सकता है 2t बाय आर टू लिख सकते हैं। ओके, याद रख, ठीक है। इसके बाद एक बात और है, अगर बात करेंगे ए का और सी का ना, तो ए और सी दोनों का प्रेशर सेम होगा, एंड दैट इज इक्वल टू वट, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये हम लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ कि दैट पी ए इज इक्वल टू वट, पी सी इज इक्वल टू वट, पी ए टी एम होगा, इतना हम लोग समझ पा रहे हैं। तो ऐसे केस में ये दोनों बारा चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों बारा कैंसिल हो गया। इसके बाद एक स्टेप और है बस, फाइनल स्टेप, यहाँ देख लेना। तो हाइट ही हम लोग को कैलकुलेट करना था, तो बात किया जाए हाइट का, तो लिखा जा सकता है रो जी एच, और ये 2t वाले टर्म को राइट साइड लेके चले जाओ 2t, और यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस आर वन माइनस 1 बाई आर टू, ऐसा लिखा जा सकता है। फाइनली चलो सारा वैल्यू पुट किया जाए, डेंसिटी वाटर का डेंसिटी 10 टू द पावर 3, हम लोग जानते हैं जी का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 9.8 लेने के लिए, हाइट हम लोग को कैलकुलेट करना था, सरफेस टेंशन क्वेश्चन में दे रखा था, देख सकते हो दे रखा है, बताओ कितना दिया, 7.3 × 10⁻², तो लिख देना 7.3 × 10⁻²। इसके बाद और देखते हैं क्या है, तो फिर हमारा 1 माइनस आर1 बाई आर2, तो r1 r2 दोनों दिया था, हमारा r1 हमने लेफ्ट साइड वाला पतला वाला माना था, तो 3 मिलीमीटर 1/3 लिखते हैं, और यहाँ लिख देते हैं 6 मिलीमीटर 1/6। एक बात और, मिलीमीटर में है ना, तो मीटर में अगर कन्वर्ट करो तो ऊपर हमारा 1000 आ जाएगा, समझ पा रहे हो, तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूँ शायद, समझ पा रहे हो, मैंने मीटर में कन्वर्ट किया इसको, बस यहाँ से सॉल्व कर लो, हो जाना चाहिए आंसर। तो देखा जाए कुछ कैंसिल ज़रूर हो रहा है, ये हमारा 10³ और ये क्यूब कैंसिल हो गया। इसके बाद और भी कुछ कैंसिल हम लोग कर सकते हैं क्या, फिलहाल रहने ही देते हैं, है ना, और यहाँ फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हाइट हम लोग को कैलकुलेट करना था, तो हाइट हमारा मिल चुका है, चलो 2 × 7.3 × 10⁻², और अपॉन ये हमारा क्या है 9.8 है, और फाइनली इसको अगर सॉल्व किया जाए तो मेरे ख्याल से क्या मिलेगा, 2 - 1 दैट इज़ वॉट 1/6 मिलना चाहिए, 1/6। यहाँ से देखो कैंसिल को जरूर हो रहा है, ये कैंसिल कर लो, मेरे ख्याल से 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। और देखो ध्यान देना, ये आंसर हमारा मिलेगा किसने बताओ, मीटर में मिलेगा, और आंसर क्वेश्चन में किस में दिया, मिलीमीटर में दे रखा है, मिलीमीटर में, तो भाई 1000 से और मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से ऊपर में देखो क्या लिखा जा सकता है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 730 हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, मैं डेसिमल डेसिमल पहले हटा देता हूँ, ये हटा दूँ, ठीक है।
फिर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 730 हो गया, नीचे दिखा रहा है 98 × 3, तो मेरे ख्याल से 24 और ये 20 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा मिलीमीटर में कन्वर्ट हमने कर लिया है और यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, तो देख लेना मेरे ख्याल से ये 2 times से थोड़ा ज़्यादा, हाँ मेरे ख्याल से 2.48 होना चाहिए, कैलकुलेशन करके देख लेना, तो नियरली 2.48 मिलीमीटर आना चाहिए। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए था, वो फुली क्लियर होना चाहिए, मैंने आराम से टाइम लेके बताया जानबूझ करके, सो दैट प्रॉब्लम ना हो, है ना, क्वेश्चन ठीक ही था, तो देख लेना अच्छे से। 44 है ना, 44 में क्या दिया है, 44 में क्या हमारा एक वेव हमारा जो कि प्रोपेगेट कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जैसा कि देख पा रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग डाउनवर्ड, तो कौन हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, कौन नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये बता है एग्जैक्टली बता है, देख के डिसाइड करना छोड़ दो, नहीं तो बता है रॉन्ग हो जाएगा। याद होगा तुमको फार्मूला, एक रिलेशन याद होगा पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच का, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जब वेव प्रोपेगेट करता है तो मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करता है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप, स्लोप मतलब ये dy/dx और इनटू लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव वेलोसिटी है ना, शॉर्ट एंड वेव वेलोसिटी लिख देते हैं, तो ये वेव वेलोसिटी लिख देना। तो ये रिलेशन ऐसे क्वेश्चन में यूज़ करना ज़्यादा सही होता है, तो मैं चलो ठीक से लिख देता हूँ, पार्टिकल वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप, है ना, स्लोप मतलब वही हो गया dy/dx इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, और इनटू वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी को v लिख देते हैं। अब अगर ये फार्मूला हम लोग जानते हैं पहले से, तो सारे पॉइंट्स के लिए चेक कर लेना, पॉइंट ए का बात किया जाए, पॉइंट ए, तो अगर पॉइंट ए का बात करेंगे ना, तो बताओ पॉइंट ए का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जैसे उसका स्लोप देखो, अगर यहाँ पे टेंजेंट मैं ड्रॉ करूँ तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ये कहीं और चला गया, अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, बिकॉज वेव कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वेव कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो वी हम लोग जानते हैं, वी हमारा पहले से ही क्या बताओ पॉजिटिव है, बाकी ये देखते हैं, तो ये क्लियर सा बात है, यहाँ पे स्लोप क्या बताओ नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो पार्टिकल वेलोसिटी ए पे ही ये मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट ए हमारा कहाँ जाएगा बताओ, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ, ऊपर जाएगा, लेकिन पूछा जा रहा है नीचे कौन आएगा। वैसे ही बताओ पॉइंट बी और सी का बात किया जाए, जैसे पॉइंट मैं बी का बात करूँगा, तो पॉइंट बी पे स्लोप क्या है बताना, तो क्लियरली पॉइंट बी पे स्लोप क्या है बताओ, जीरो है, तो स्लोप जीरो है तो बताओ, स्लोप जीरो तो यानी बताओ वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो होना भी चाहिए, एक्सट्रीम पोजिशन पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। सेम लॉजिक बताओ किसके लिए लगेगा, सी के लिए, पॉइंट सी के लिए भी सेम लॉजिक, पॉइंट सी का भी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और एक पॉइंट रह गया हमारा पॉइंट डी, पॉइंट डी का बात किया जाए, तो पॉइंट डी का वेलोसिटी का बात किया जाए, तो ये हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव जो ये मिलेगा क्या, नेगेटिव मिलेगा। अब ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव मतलब पार्टिकल ऊपर जाएगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और नेगेटिव मतलब पार्टिकल कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन नीचे जाएगा, यानी क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं ए हमारा ऊपर जाएगा और डी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, डी हमारा नीचे जाएगा, तो डी हमारा नीचे जाएगा, ऑप्शन डी राइट होना चाहिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होना चाहिए। रहा बात बी और सी, तो सिंस देखो बी और सी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो एक्सट्रीम पोजिशन पर जस्ट गया हमारा, है ना, तो एक्सट्रीम पोजिशन पर अगर जैसे मान लो सिंपल ऑसिलेशन ही आराम से देखते हैं, बी और सी हमारा उस इंस्टेंट पे क्या था, उसका स्पीड जीरो था, स्पीड जीरो था, तो किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक्जैक्टली कुछ बोलना उस समय सही नहीं है, बिकॉज पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज मूविंग डाउनवर्ड, उसी समय पूछा जा रहा है, उसी इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे दोनों पॉइंट मूव ही नहीं कर रहे, तो मूव ही नहीं कर रहा, जिसके कारण कुछ बोलना सही नहीं है। हाँ ये बोल सकते हैं ये हमारा कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और ये कहाँ जा रहा था, नीचे जा रहा था, इसलिए ऑप्शन डी राइट होता। बट हाँ कुछ लोग के मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे बी हमारा टॉप पे, अब ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, वो कब होता पता है, कब, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल मूव डाउनवर्ड, ऐसा लिखा होता विल, अब कौन नीचे आएगा, विल लिखा होता ना यहाँ पे कि विल मूव डाउनवर्ड, तो बी भी हो जाता, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद देखो बी ऑलरेडी एक्सट्रीम पोजिशन, और वो कहाँ आएगा बताओ, नीचे ही आएगा, नीचे ही आएगा थोड़े टाइम के बाद, लेकिन यहाँ पे विल नहीं लिखा था, उसी इंस्टेंट पे ही पूछा जा रहा है, उसी इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है, इसलिए बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होता, ऑप्शन क्या होता है, डी, उसी इंस्टेंट, है ना, बिकॉज एक्सट्रीम पोजिशन पे कोई चीज़ है, तो जैसे मान लो एक सिंपल ऑसिलेशन ही कंसिडर अगर हम लोग करेंगे, अगर सिंपल ऑसिलेशन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला कंसिडर करेंगे, तो अगर एक्सट्रीम पोजिशन पे होगा ना, तो एक्चुअली हम लोग कुछ भी बोल नहीं सकते कि किधर जा रहा है, एट एक्सट्रीम पोजिशन ये हमारा राइट में जा रहा है, या फिर तो एक्सट्रीम पोजिशन अब ये समझा रहा था एक्जैक्टली हमारा बोलना थोड़ा मुश्किल है कि ये हमारा राइट में जा रहा है या फिर क्या रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो जस्ट अगर थोड़ा पहले सोचोगे ना, जस्ट थोड़ा पहले सोचोगे एक्सट्रीम पोजिशन में जाने से जस्ट पहले, तो ये राइट में जा रहा था, और एक्सट्रीम पोजिशन के जाने पहुंचने के जस्ट बाद बात करो तो ये लेफ्ट में आ रहा है, तो ये आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, एक्जैक्टली बोलना मुश्किल है ना, तो सिमिलर लॉजिक हमारा वेव में भी लगेगा, वेव में जब पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो जब वो एक्सट्रीम पोजिशन पे होगा, तो जस्ट पहले वो पार्टिकल ऊपर जा रहा था और
जस्ट उस इंस्टेंट के बाद का बात करो तो पार्टिकल कहाँ आएगा, नीचे आएगा, इसलिए एक्सट्रीम पोजिशन का ये मन में कन्फ्यूजन मत रखना। उसी समय उसी इंस्टेंट पर पूछा जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है, सो वी कैन नॉट से कि वो कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होना चाहिए इस क्वेश्चन का, देख लो क्लियर होना चाहिए, मैंने समझाने की कोशिश किया है। आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया था। 45 में देखते हैं, एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस वी से हमने एक्सेलरेट किया और फाइनली हमारा ई कोई मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है जिस, और वहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है मूव कर रहा है जिसका रेडियस क्या दिया था, आर दिया था। तो ऐसे किस में पूछा जा रहा है कि अगर हम रेडियस डबल करना चाहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही उस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिला, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये लिख सकते हैं। यानी उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का बात किया जाए के मान लेते हैं, तो ये दिस मस्ट इक्वल टू व्हाट क्यू वी होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर अगर मान लो रेडियस का बात किया जाए तो जानते ही हो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ लेगा और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी बाई क्यू बी होता है। एम बी इज मोमेंटम तो क्यू बी लिख सकते हैं। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा, मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ। के इक्वल टू होता क्या बताओ, पी स्क्वायर बाई टू एम होता है, सब लोग जानते हो। बताओ यहाँ से पी का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, तो पी का वैल्यू लिख सकते हैं रूट ओवर क्या टू एम के लिख सकते हैं और बाई क्या लिख सकते हैं क्यू बी लिख सकते हैं। ऐसे केस में देखा जाए ना तो ऐसा कुछ रिलेशन मिला। अब और अच्छे से थोड़ा लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी है क्या बताओ, क्यू भी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सब्सटीट्यूट कर लो और मिल गया रिलेशन हमारा टू एम क्यू वी बाई क्या मिल रहा है बताओ क्यू बी, ऐसा कुछ मिला। फाइनली यहाँ से देखा जाए तो हम लोग रेडियस डबल करना चाह रहे हैं तो पोटेंशियल कितना बढ़ाना पड़ेगा ये पूछा गया है, तो मेरे ख्याल से बाकी कुछ तो चेंज होगा नहीं। यानी बताओ रेडियस और पोटेंशियल में कैसा रिलेशन है, इट एम्प्लाइज रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बी। तो और अच्छे से लिखोगे तो लिख सकते हो आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। रेडियस डबल करना चाहते हैं पोटेंशियल क्या होगा, इट एम्प्लाइज लिख देते हैं वी टू बाई वी वन दिस इज इक्वल टू व्हाट आर टू बाई आर वन, इसका क्या होल स्क्वायर। एज पर क्वेश्चन हम लोग रेडियस को डबल करना चाहते हैं, रेडियस को डबल करना चाहते हैं तो डबल करोगे तो बताओ टू का स्क्वायर दैट इज़ फोर मिल गया। यानी अगर इसको सॉल्व किया जाए तो बताओ वी टू इज़ वॉट फोर टाइम्स वी वन, मिल रहा है वी टू इज़ फोर टाइम्स वी वन। फोर टाइम्स वी वन का मतलब क्या, वी वन कितना था हमारा वी था, तो बताओ ये ज़रूर कितना होना चाहिए हमारा टू वी होना चाहिए, फोर वी होना चाहिए, कितना होना चाहिए फोर वी होना चाहिए, फोर वी होना, ये वी था तो ये कितना होना चाहिए फोर वी होना चाहिए। यानी ऑप्शन बी राइट होता है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी राइट होता, हाँ ठीक है ऑप्शन बी राइट होता फोर वी होता, देख लेना क्लियर होना चाहिए फुली है ना। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 46 है ना, 46 देखते हैं क्या है। 46 में देख रहे हो एक सिंपल सा हमारा सर्किट है यहाँ पे और इस सर्किट में पूछा जा रहा है कि हमारा बैटरी टोटल कितना करंट सप्लाई करेगा, तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों देखो हमारा किस में बताओ पैरेलल में होगा, सर्किट को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, चॉइस तुम्हारा है। अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ मैं सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ सर्किट को, फिर तुम लोग देख लेना है ना, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ। तो मान लो ए से स्टार्ट करेंगे तो ए हमारा शायद ए से हमारा ये भी कनेक्टेड है डायरेक्टली, ये भी और ये भी कनेक्टेड है, तो ए को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेना और तीन रेजिस्टर लगा देते हैं, समझ में आएगा देखते जाना। बताओ ए से हमारा एक रेजिस्टर कनेक्टेड है जो कि सी पे एंड हो रहा है, तो सी पे एंड कर देते हैं चलो इसको, ये सी पे एंड हो रहा है। और ए से एक और हमारा रेजिस्टर कनेक्टेड है जो कि पता ए और बी दो डिफरेंट पॉइंट नहीं है, सेम ही पॉइंट है, पोटेंशियल सेम होगा, ए और सी के बीच में एक और रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो ये भी हम लोग सी ही लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या होगा सी होगा। फिर एक और हमारा ये डायरेक्टली ये वाला, तो ये वाला हमारा कनेक्टेड है बिटवीन ए एंड डी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बताओ डी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो ए और डी के बीच में कौन सा कनेक्टेड था, थ्री वाला कनेक्टेड है, तो बाकी ए और सी के बीच में टू और सिक्स कनेक्टेड था, तो टू ओम और ये वाला सिक्स ओम कनेक्टेड है। रहा बात सी सी हमारा कॉमन एक जगह ज्वाइन कर लेते हैं, और सी और डी के बीच में भी एक रजिस्टर कनेक्टेड है कितना 1.5 वोल्ट वाला, तो सी और डी के बीच में भी कनेक्शन दिखा देना। अल्टीमेटली बैटरी का जो नेगेटिव है डी से कनेक्टेड है, तो बैटरी का नेगेटिव हमारा डी से कनेक्टेड है, तो सी और डी के बीच में ऐसे दिखा देते हैं कनेक्शन एक ऐसे, और बैटरी हमारा यहाँ नेगेटिव से कनेक्टेड है डी से कनेक्टेड है, तो फाइनली बैटरी हमारा यहाँ पे ऐसे लगाया जा सकता है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है। इतना नहीं भी करते तो काम चलता है आई थिंक, ये देख लो 1.5 ओम है इसका, देखो सॉल्व किया जाए जल्दी से, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में यानी कितना हो गया 12 बाई कितना 8, तो 12 बाई 8 मतलब कितना 3 बाई 2, ये हमारा 3 बाई 2 होना चाहिए यानी 1.5 ओम होना चाहिए 1.5 ओम। वैसे ही देखो ये 1.5 और 1.5 मिलके वापस से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हमारा ऊपर वाला 3 और 3 वापस से मिलके क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो इस सर्किट का एक वैलिड रेजिस्टेंस मिला कितना बताओ 1.5 मिला, और 1.5 मिला तो बताओ हमारा अगर चाहिए था करंट बैटरी कितना सप्लाई करेगा, तो ई बाई आर इक्विवेलेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे केस में लिख सकते हैं ई हमारा कितना है बताओ 6 दिया था क्वेश्चन में और ये 1.5 हमने कैलकुलेट किया है, डेसिमल हटेगा जीरो आएगा, 15 4 जो 62 4 एम्पेयर राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का।
तो 4 एम्पेयर होता, ऑप्शन बी राइट होता, ऑप्शन बी राइट होता है ना, 46 का ऑप्शन बी होना चाहिए था, डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। ये दोनों हमारा पैरेलल में था, फिर से देखो इतना करने का नीड भी नहीं था, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों सीरीज, फिर ये दोनों वापस से पैरेलल में था, हो जाता है ना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया था। 47 में देख पा रहे हो मेरे ख्याल से एक सोलेनोइड वगैरह है और यहाँ बीच में एक कॉइल रखा है। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू होल्ड अ स्मॉल सर्कुलर कॉइल ऑफ 10 टर्न्स जिसका एरिया दे रखा है कैरिंग अ करंट इतना इन द मिडिल ऑफ द सोलेनोइड, और इस सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है, करंट कितना फ्लो कर रहा है वो भी गिवन है, और सोलेनोइड का एक्सेस, ये हमारा कॉइल के एक्सेस के बताओ क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसे किस में इसको होल्ड करके रखने के लिए कितना हमारा टॉर्क चाहिए होगा, तो बताए होगा क्या, कॉइल का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा जो कि आउट ऑफ द प्लेन ऐसा होगा, और ये समझ लो एक डाइपोल हो गया जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और ये देखो ये मैग्नेटिक मोमेंट बताओ मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है कितना, 90 बना रहा है। तो जब भी किसी डाइपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, टॉर्क कितना लगता है बताओ, एम क्रॉस बी लगता है, और कुछ नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कॉइल, तो एन बी लिखना पड़ेगा इसे, इसी को अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एन एम बी साइन, और एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, क्योंकि जो छोटा वाला सर्कुलर कॉइल है ना उसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर होगा, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का ऐसे है, तो बताओ दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 90, तो साइन 90 हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। इतना लिखने का बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, नंबर ऑफ टर्न्स और मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा कॉइल का होगा क्या लिख सकते हैं बताओ, आई ए लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर बताओ सेंटर में कितना, म्यू नॉट एन आई लिख सकते हैं, बस हो गया आंसर, इतना ही था, है ना, म्यू नॉट आई एन आई लिख देता, इसको आई डेस कर लो, दो दो करेंट है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या मिलता है। नंबर ऑफ टर्न्स से स्टार्ट किया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स हमारा कॉइल का देखो, पहले कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स कितना था, 10 था, ये हमारा 10 दिया था, कॉइल में करंट हमारा कितना फ्लो कर रहा है, 21/44, कॉइल का एरिया सर्किल है तो एरिया हमारा डायरेक्टली दिया था 1 mm², यानी 10^-6 लिख सकते हैं मीटर में, म्यू नॉट लिख सकते हैं 4π × 10^-7 लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारा दे रखा है 10^3 दिया था। इसके बाद आई डैस का बात किया जाए तो आई डैस हमारा सोलेनोइड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2.5, तो 2.5 लिख लेना, इतना लिखने का बस कैलकुलेशन करो, आंसर निकल के आ जाना चाहिए, है ना, निकल के आ जाना चाहिए, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ से देखा जाए क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, सबसे पहले 10 का पावर मैं सॉल्व करना चाहूँगा, 2.5 × 4 10, तो 10^5 है ना, यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिव 10 का पावर देखो, 10 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके 10 ही हो रहा है और एक 10 यहाँ पे, तो 10^5 − 7 6 13 ऐसा कुछ मिल रहा है, इनटू 10 का पावर हमने सॉल्व कर लिया, इनटू 21π/44, अगर हमने कुछ मिस नहीं किया तो इतना ही होगा, देख लेता हूँ मैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद बताओ इसको सॉल्व किया जाए तो 21 × 3.14/44 और इनटू पावर कितना आ रहा है, 10^-8 -8 आ रहा है, और इसको अगर सॉल्व किया जाए ना तो वह 3 होता तो 63, 66, ये नियरली देख लेना, 66 ज़रूर आना चाहिए, 66/44 × 10^-8, और अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो 3 और ये 2 है ना 22 से, तो मेरे ख्याल से मिल गया कितना बताओ, 1.5 × 10^-8 ऐसा आ रहा है। तो इतना टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा तब जाके उसको होल्ड हम लोग कर पाएंगे उस पोजीशन पे, है ना, तो 1.5 × 10^-8, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी राइट होता है इस क्वेश्चन का, देख लेना, फुली क्लियर होना चाहिए था, ऑप्शन बी राइट होता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 47, देख लो है ना, क्वेश्चन बहुत सारा है। 48 में क्या दिया हमारा, दो प्लेन मिरर है परपेंडिकुलर रखा गया है और रे आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स विल बिकम, ये तो डायरेक्ट जानते हो गए पैरेलल हो जाते हैं, तो ऑप्शन बी राइट होता है इसका, 48 का बी होता, डायरेक्ट कर सकते हो सब क्वेश्चन अगर थोड़ा ही पड़े हो तो। फिर समझना, मैं समझा देता हूँ, ये मान लो पहला प्लेन मिरर है, ये मान लो दूसरा प्लेन मिरर है, मिरर वन और ये मिरर टू, मान लो एक रे ऑफ लाइट आके ऐसे गिरा, रिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, और अगर मैं यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ कर लूँ नॉर्मल वाला, तो ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा होगा। वैसे ही मान लो रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, तो मान लेना फिर से नॉर्मल एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये बीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। डिवेशन वगैरह पढ़े हो है टाइम, तो अगर ऐसा हम लोग कर सकते हैं इसका, देखो डिवेशन वगैरह पढ़े हो तो डिवेशन का फॉर्मूला लगा देना, पहली बार जब रे आएगा ऐसे, देखो इसको जाना था बिल्कुल ऐसे सीधे जाना था, लेकिन ये डिवेट हो गया, कितना एंगल से डिवेट हुआ, ये एंगल से डिवेट हुआ, इसको मान लो डेल्टा वन, और डेल्टा वन हम लोग काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं, पहला वाला डिवेशन बताओ क्या होगा, 180 − 2α होगा, ठीक है। वैसे ही बताओ दूसरा वाला, रे को जाना था ऐसे बट डिवेट हो गया कुछ ऐसे, कितना एंगल से डिवेट हुआ, डेल्टा टू, तो बताओ क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टू हमारा 180 − 2β हो गया,
और दोनों का थोड़ा देख पा रहे हो कैसे हो रहा है बताओ, एंटी क्लॉकवाइज ही हो रहा है। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऐसे केस में अगर नेट डेविएशन कोई पूछेगा तो दोनों को सिंपली ऐड करना होगा। तो ऐड करने का मतलब कितना हो गया बताओ, 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है। और ऐसे केस में ये हो गया 360 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा का बात किया जा रहा है, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, मिरर परपेंडिकुलर है, यहीं पे ज्वाइन कर लो ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। तो यहाँ पे 90 लिख सकते हो। 90 लिखने के बाद बताओ ये हमारा हो जाएगा कितना बताओ, 360 माइनस 180 दैट इज़ व्हाट, 180। तो 180 इसका नेट डेविएशन होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो 180 का मतलब क्या हो गया, रे अगर आ रहा था ऐसे तो जाएगा क्या ऐसे, लेकिन बताओ ये दोनों तो पैरेलल ही हो गए ना, ऐसे आ रहा है और ऐसे चला गया, तो दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ऑप्शन बी राइट होगा, पैरेलल टू द क्या, ओरिजिनल रे। ये सब डायरेक्टली याद होना ही चाहिए, सब हम लोग कर ही सकते हैं। इतना मैंने सॉल्व किया, बट ये सब तो डायरेक्टली याद होता है, देख के टिक करने वाला क्वेश्चन था, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बट यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो अगर तुमने थोड़ा भी पढ़ाई किया ना ठीक से तो देख के ही टिक कर सकते थे। 49 या देखो, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑफ मेटल सर्फेस इज 3W एंड देन 5W, जहाँ W हमारा वर्क फंक्शन है, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज पूछा गया। तो वही हो गया, एनर्जी हम लोग जानते हैं, वर्क फंक्शन, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज पूछा ना, पहले काइनेटिक एनर्जी का ही रेशियो निकालेंगे, के मैक्स होते हैं। तो के मैक्स यहाँ से लिख सकते हैं बताओ क्या, ई माइनस फाइव लिख तो सकते हैं। अब चलो अप्लाई किया जाए, के वन फर्स्ट केस में, केस वन तो एनर्जी कितना दिया था फर्स्ट केस में, 3W दिया था, तो 3W माइनस W वर्क फंक्शन, तो ये मिल गया 2W मिल गया। केस टू में बात किया जाए, के टू तो ये शायद 5W दिया है और वर्क फंक्शन W, ये मिल गया 4W मिल गया। और अगर वेलोसिटीज़ का रेशियो पूछा ना, मैक्सिमम वेलोसिटीज़ का रेशियो पूछा है, तो सिंपल सा बात है, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करोगे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मिलेगा, और हाफ एम वी स्क्वायर वाले लॉजिक से समझ पा रहे हो, यहाँ पे लिखा जा सकता है V1 बाई V2 इसका क्या होल स्क्वायर, और डिवाइड करके मिल कितना रहा है बताओ, 1/2 मिल रहा है। तो राइट आंसर हमारा मिल गया, V1 बाई V2 दिस इज इक्वल टू 1/√2 होना चाहिए, ये राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन को, होपफुली क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट होता है इस क्वेश्चन को, ऑप्शन सी राइट होता है, देख लेना ऑप्शन सी राइट होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा लास्ट वाला, 50 में देखते हैं क्या। तो 50 में लिखा है क्या, पॉजिटिव होल इन अ सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव होल एक्चुअली होता क्या है, क्या कोई एंटी पार्टिकल होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स द कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही है यार। इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करता है वैलेंस बैंड से, बताओ कहाँ, कंडक्शन बैंड में जंप करके चला जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और अपने पीछे एक छोटा सा एक स्पेस, खाली खाली जगह छोड़ देता है, वो बिहेव करता है एज अ होल। तो वही हमारा होल हो गया, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लीव से कोवेलेंट बॉन्ड, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और फाइनली हमारा क्या है, एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड पार्टिकल। तो क्लियर सर बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस नहीं, हाँ ये हमारा सही है। वैकेंसी क्रिएट हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन लीव करता है बताओ किसी कोवेलेंट बॉन्ड को, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ के वो कहीं चला जाएगा बताओ, इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस खाली होता है, इंटरटोमिक जो स्पेसेस होता है, वहाँ अगर चला गया तो एक वैकेंसी क्रिएट होगा, और वही वैकेंसी हमारा क्या होता है, होल होता है। तो 50 का ऑप्शन बी राइट होना चाहिए, होपफुली क्लियर है, ये सब पढ़े ही होंगे, सब देख के टिक करने वाला। तो यही था तुम्हारा क्वेश्चन, है ना, मैंने सारा क्वेश्चन समझाया है, देख लेना, कोशिश तो किया है कि सारा समझ में आ जाए तुम लोगों को। तो होपफुली यहाँ से रेफर करो और क्लियर करो, स्टिल नहीं क्लियर तो अपने टीचर से थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो, आई थिंक नीड नहीं होना चाहिए स्टिल। बाकी जो तुम्हारा फर्दर टेस्ट है उसके लिए काम करो, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करो, है ना। तो चलो ठीक है, थैंक यू।